सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टूल जो कि है सिलेक्शन टूल। तो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम किस तरीके से सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगल शेप, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या करता है वो हम समझ लेते हैं। जैसे ही मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और कहीं पे भी मैं इसे मूव कर सकता हूँ, आप देखेंगे मैं कहीं भी इसे ले जा सकता हूँ। दूसरा, आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, इस तरीके का आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इस पॉइंट से आप इसको स्केल कर सकते हैं, आप जो भी साइज़ में आप चाहें इसे स्केल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको अंदर की तरफ भी कुछ पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पॉइंट को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, सिंगल मैंने क्लिक पे सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं इसे अंदर की तरफ ड्रैग करता हूं, तो आप देखेंगे कि मेरा जो शेप है वो चेंज हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर की तरफ से आप इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके भी इस जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया फर्स्ट पॉइंट को और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस किया और सेकेंड जो मेरा पॉइंट है उसको मैंने सिलेक्ट किया। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से मेरा शेप बन चुका है। तो इस तरीके से भी हम शेप को बना सकते हैं। तो मैंने एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया, एक पॉइंट मैंने शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट किया, आप देखेंगे कि मेरा जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बन गया है। ठीक है, तो काफ़ी हम अट्रैक्टिव शेप भी इससे बना सकते हैं। अब मैं इसका एक कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अल्ट बटन यानी कि अल्टर बटन को अपने कीबोर्ड से सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्शन टूल की मदद से मैं यहाँ पे इसका एक कॉपी ले लूँगा। तो आप देखेंगे कि इसका यहाँ पे एक कॉपी हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ मुझे मल्टीपल कॉपी चाहिए, तो मैं अल्टर बटन को प्रेस करूँगा और यहाँ पे देखेंगे आप इस तरीके से कॉपी हुआ। उसके बाद आप अगर मल्टीपल कॉपी लेना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ मुझे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ भी कंट्रोल डी से ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना। अब नेक्स्ट हम एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसी से कुछ एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इन दो पॉइंट को जो मेरे दो पॉइंट है उसको मैंने सिलेक्ट किया इस तरीके से और मैंने उसे ऐसा शेप दिया। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट को सिलेक्ट किया और एक पॉइंट उसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने कुछ इस तरीके का यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डिज़ाइन मुझे मिला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका एक कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी लेने के लिए मैंने अभी आपको बताया था अल्टर बटन को आपको प्रेस करना है और यहाँ पे इसको मूव करना है। अब जो इसका जो एंगल है वो मुझे चेंज करना है, तो मैं इसे रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसे सिलेक्ट करके रखिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट पे जाके आप क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का मेरे पास यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट हो चुका है। क्योंकि इसका प्रीव्यू ऑन था तो इसने मुझे बता दिया कि कैसा ये रिफ्लेक्ट होगा, तो प्रीव्यू आप ऑन रखिए और 90 डिग्री के अंदर इसे मैंने रिफ्लेक्ट कर लिया है और ओके को मैंने प्रेस किया, तो आप देखेंगे मेरे पास कुछ इस तरीके का शेप आया। तो कुछ इस तरीके का मैं शेप है, आप इसको स्केल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से स्केल भी कर सकते हैं, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। और इसके अंदर मैं एक कलर फिल कर लेता हूँ। अब कलर के लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे इस तरीके का आपके पास पैनल आएगा और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके आउटर में मुझे यहाँ पे ये स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो आप इसे सिलेक्ट करिए और ये जो ऑप्शन है आपका स्ट्रोक का, इसे यहाँ से ऑफ कर दीजिए, तो आपके पास इस तरीके का एक डिज़ाइन आ जाएगा। अब देखेंगे इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा सा मुझे एक डिज़ाइन मिल रहा है। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ अल्टर से और कंट्रोल डी से आप इसको इस तरीके से मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ उसे और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी फिर से एक और कॉपी ले रहा हूँ अल्टर के साथ और मैं इसे रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक कीजिए, ट्रांसफॉर्म में जाइए, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट हो गया है क्योंकि मैंने हॉरिजन करा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो था वो वर्टिकल था तो मैंने यहाँ पे हॉरिजन पे क्लिक किया, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे ये हॉरिजनली रिफ्लेक्ट हो गया है। सो इस तरीके का मेरा एक डिज़ाइन बना, तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे और इसकी कॉपीज चाहिए, तो आप यहाँ पर जाके अल्टर बटन को प्रेस कीजिए और कंट्रोल डी के साथ आप यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ ले सकते हैं। तो
तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी अच्छा सा एक पैटर्न क्रिएट हो गया है। आप इसे जूम करके देखिए, तो कंट्रोल प्लस से हम यहाँ पे स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का मेरा पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ मुझे वेरिएशन चाहिए, तो हम इसके अंदर वेरिएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं इसे मार देता हूँ डिलीट। यहाँ से फिर से मैंने इस सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, अल्टर से कॉपी लिया और मैं इसे कर देता हूँ स्केल। मैंने यहाँ से इसे स्केल किया तो आप देखें काफ़ी छोटे पैटर्न बन गए, और अल्टर के साथ ही मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया इस तरीके से। ओके, और थोड़ा सा मैं इसे स्केल कर लेता हूँ कुछ ऐसा। तो सभी को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्केल कर लीजिए कॉर्नर से, एंड उसके बाद आप फिर से इसे सेलेक्ट कीजिए और अल्टर बटन से मैंने इसे फिर से कॉपी किया। देखेंगे अब थोड़ा सा वेरिएशन आया है मेरे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, और इस तरीके का मेरा एक पैटर्न क्रिएट हो गया है। तो काफ़ी अच्छा सा पैटर्न मेरे पास मिल चुका है मुझे। तो देखिए ये भी मेरा एक नया पैटर्न क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर सिलेक्शन टूल से अलग अलग डिज़ाइन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और मूव तो आप कर ही सकते हैं, साथ में अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने देखा था सिलेक्शन टूल, और अब हम जो देख रहे हैं वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो दोनों के नाम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन एंड सिलेक्शन, बट इनके काम में काफ़ी डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप किसी भी पॉइंट को यहाँ पे, यानी कि पर्टिकुलर एक पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, जो कि मेरा सिलेक्शन टूल नहीं कर पा रहा था। देखेंगे अब सिलेक्ट करते थे पूरा ही यहाँ पे मूव हो रहा है, पर्टिकुलर एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये मुझे कुछ इस तरीके का फ्रीडम देता है पॉइंट को मूव करने में। तो चलिए इससे हम कुछ डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहाँ पे इसका एक कॉपी लेता हूँ। कॉपी के लिए आप यहाँ पे अल्टर से आप इसका कॉपी ले सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे इस तरीके से आप ड्रैग करके दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे इस तरीके का मेरा एक बॉक्स का डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया। तो मैं एक 3D बॉक्स बना रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कॉपी और कर लेता हूँ अल्टर से। पर्टिकुलर एक पॉइंट को मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है, सो मैंने यहाँ पे लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसे पॉइंट को टच कर दिया और सेकेंड पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले लिया। तो आप देखेंगे इस तरीके से मेरा यहाँ पे एक 3D बॉक्स जो है वो बन चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा टूल। सो अब हमारा नेक्स्ट जो टूल है वो ग्रुप सिलेक्शन टूल है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पर आपको प्रेस करके रखना है और इस जगह के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा ग्रुप सिलेक्शन टूल। जैसे नाम से हमें लग रहा है कि पूरा जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे सिलेक्ट करता है ये। तो मैं यहाँ पे कुछ शेप ले रहा हूँ, मैंने एक शेप लिया सर्कल, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अल्टर से मैं यहाँ पे कुछ कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके के। तो मैंने कुछ इस तरीके के अल्टर से कॉपी कर ली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन सब को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ग्रुप, ग्रुप पे जाके आपको करना है सिलेक्ट। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये पूरा जो मेरा जो शेप्स हैं वो ग्रुप हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी लेके जाता हूँ इसे, तो ये पूरा ग्रुप साथ में आ रहा है। और मैं इसे ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी एक जो सर्कल है उसको मैं एडिट करूँ, या स्केल करना चाहता हूँ या एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ग्रुप सिलेक्शन टूल को। उसके बाद आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके का आपको यहाँ पे एक ग्रुप सिलेक्शन टूल मिला है, जो कि आप पर्टिकुलर एक एक अलग अलग यहाँ पे जो आपके सर्कल्स उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए इसे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे इसे कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ इस तरीके से, आप कहीं पे भी इसे
मूव कर सकते हैं। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि अभी भी ये पूरे ऑब्जेक्ट ग्रुप में ही है, तो आप यहाँ पे बार बार आपको अनग्रुप नहीं करना पड़ेगा। सो मैं इजीली इसे कहीं पे भी मूव कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि अभी भी जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आप देखिए वो यहाँ पे ग्रुप में है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल सीखने जा रहे हैं वो है आपका मैजिक वैन टूल। आप यहाँ पे जाइए, इस जगह पे आप टूल बॉक्स पे आपको मिलेगा मैजिक वैन टूल। जैसे नाम से ही लग रहा है मैजिक, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ शेप ले रहा हूँ, लाइक मैंने ले लिया इस तरीके का एक शेप, ठीक है। आप इसका कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कलर चूज़ किया इस तरीके का। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी कुछ कॉपीज़ लेनी है। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉपीज़ ले लेता हूँ। तो अल्टर से मैंने यहाँ कॉपी किया और कंट्रोल डी से आप यहाँ पे इसके कॉपीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं कुछ इसकी और कॉपीज़ ले रहा हूँ। तो मैं इन्हें सबको सिलेक्ट करके अल्टर से मैंने यहाँ पे कॉपी लिया और इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसका कलर कुछ इस तरीके से किया। और नेक्स्ट कुछ और कॉपीज़ ले लेते हैं हम। तो मैं कंट्रोल डी से कुछ और कॉपीज़ ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। आप कोई भी कलर कर सकते हैं। फिर से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसका कलर कर लेते हैं हम ब्लू एंड यहाँ पे हम इसका कलर कर लेते हैं येलो। तो इस तरीके से मैंने कुछ शेप्स क्रिएट करें। अब मैजिक वैन टूल किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं हम। देखिए मैजिक वैन टूल को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी सेम कलर हैं वो उसको अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर पे एक किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो जहाँ पर भी ग्रीन है उसने उसे सेलेक्ट कर लिया। अब चाहे वो ग्रीन कलर कहीं पर भी हो और किसी भी शेप के अंदर हो, लाइक अगर काफ़ी स्मॉल भी होंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो अपने आप ही उसे सेलेक्ट कर लेगा। तो फिर से देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने लिया मैजिक वैन टूल और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखेंगे इसने सारे ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे जाके आप चाहते हैं कि ग्रीन की जगह मैं कोई और कलर लूँ तो आप यहाँ पे जाके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो कलर चेंज हो गया। इसका फ़ायदा क्या है कि हम कोई आर्टवर्क बनाते हैं उसमें हमने मल्टीपल बहुत सारे कलर्स लिए तो और मुझे उसके बाद उसको चेंज करना है तो पर्टिकुलर मैं किसी एक एक को चेंज ना करूं, इससे अच्छा है कि मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, उसमें सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो मैजिक वैन टूल है उसको सिलेक्ट करके हम जो भी सेम कलर है, इसकी मेन चीज़ है कि कलर सेम होने चाहिए तभी वो उसे सिलेक्ट करेगा और हम वहाँ पर जाके उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो एक आर्टवर्क मेरे पास है, हम उस पर इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो मेरे पास एक ये आर्टवर्क है, आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ कलर से ये आर्टवर्क बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर, मैंने डिज़ाइन तो क्रिएट कर चुका हूँ लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है कलर को, तो मैं सिंपली मैजिक टूल लूँगा और मुझे मान लीजिए कि ये जो कलर है पर्पल कलर है उसको मुझे चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसे क्लिक करूँगा तो जहाँ पर भी पर्पल कलर होगा वो अपने आप उसे सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर उसे कोई भी कलर में चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा डार्क शेड ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पर भी पर्पल था वो इस तरीके से आपका ब्राउन कलर हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मैजिक टूल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं वो है लासो टूल। तो देखते हैं लासो टूल कैसे वर्क करता है। तो देखिए लासो टूल यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे टूल बॉक्स में, लासो टूल यूज़ किया जाता है फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए, यानी कि अगर आपको फ्री हैंड सिलेक्शन करना है तो आप यहाँ पे लासो टूल का यूज़ करिए। तो मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन ले लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन लिया एक स्टार और मैं चाहता हूँ कि इसके कुछ पॉइंट ही मैं सिलेक्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे लूँगा लासो टूल और यहाँ पे फ्री हैंड इसे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से एरो की से इसे मूव करिए तो पर्टिकुलर आप देखेंगे कि ये तीन पॉइंट ही यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इस तरीके से इसे कुछ डाउन एरो की से नीचे की तरफ लेके आता हूँ। तो आप यहाँ पे फ्री हैंड सिलेक्ट कर सकते हैं लासो टूल से। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो रैंडमली आपको सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे लासो टूल का यूज़ करिए। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल को। और अब हम जो देख रहे हैं वो यहाँ पे है आपका पेन टूल।
तो पेन टूल किस तरीके से एडोब इलस्ट्रेटर में यूज़ किया जाता है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है पेन टूल जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर का बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत ही फ्रीडम होता है डिज़ाइन करने के लिए। कर्व्स आप क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ आप कर्व्स क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पेन टूल का काफ़ी इम्पोर्टेंस है आपके इस एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। सो आप देखिए सबसे पहले पेन टूल वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट करूँगा पेन टूल को, इसका शॉर्टकट है पी। अगर आप कीबोर्ड से पी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पी बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एक्टिव हो चुका है, उसके आगे भी उसका साइन आ रहा है। आपको इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये कैसे यहाँ पे आपको एक पेन का जो हमारा डिज़ाइन होता है उस तरीके का ही यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है। तो कैसे यूज़ करना है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रखा, पॉइंट रखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके का, यहाँ पे मुझे एक दूसरा पॉइंट रखने के लिए यहाँ पे आ रहा है कि कहाँ पे आपको ये पॉइंट रखना है। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उस पॉइंट पर ये यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा, इस तरीके से ये फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे स्मूथनेस नहीं आ रही है, जैसे कि ये सिंपली यहाँ पे इस तरीके से मुझे बना के दे रहा है। सो हमें करना क्या है यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पॉइंट है वो कर्व आए, थोड़ा सा स्मूथ आए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बट आपको आपके जो माउस है उससे होल्ड करके रखना है, उसके बाद आपके माउस को आपको मूव करना है इस तरीके से। अभी मैंने जो है वो आपका लेफ़्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, इस तरीके से मैं उसे मूव कर रहा हूँ, और जैसे ही आपको स्मूथनेस लगे कि हाँ ये जो स्मूथ है वो मेरे लिए परफेक्ट है, उसके बाद आप जाके यहाँ पे इसे छोड़ दीजिए, और आप नेक्स्ट पॉइंट जहाँ भी रखेंगे तो वो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके का एक स्मूथनेस मुझे मिल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि रिटर्न में यहाँ से इसे फिर से यहाँ कनेक्ट करूँ, सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से लिया और सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लग के ज्वाइन कर दिया, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर मैंने इसे ला के ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप देखें काफ़ी स्मूथ मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है। सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इस पेन टूल से कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने पेन टूल लिया और पेन टूल से मैं फिर एक डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे मैं एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्चर यहाँ पे ला के रखी हुई है। ये जो पिक्चर है आप थोड़ा जूम कीजिए, जूम करने पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो इसके एजेस हैं वो काफ़ी ही ख़राब है, क्योंकि पिक्सेलेट है और ये जो मैं पिक्चर लेके आया हूँ वो JPG फॉर्मेट के अंदर है, तो ये काफ़ी ही ख़राब लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो पिक्चर है वो एक बेस्ट फॉर्म, यानी कि जिसको हम वैक्टर फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए हम वैक्टर यूज़ करते हैं मोस्टली, जो लोगो डिज़ाइनिंग होता है वो भी हम वैक्टर के अंदर ही करते हैं। तो ये JPG जो है वो आपका रास्टर इमेज है, क्योंकि इसके अंदर पिक्सल्स हैं, आप देखेंगे आपको पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं वैक्टर फॉर्म में क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले जाके इस पिक्चर को लॉक कर दूंगा। तो मैं ऑब्जेक्ट में गया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लॉक, और मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लॉक कर दिया ताकि जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है वो मूव ना करे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एक पेन टूल से इसे सिलेक्ट करना है इस तरीके से। आप देखेंगे मुझे काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे स्मूथनेस मिल रही है। आप चाहें तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रोक का कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे स्ट्रोक का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वो नज़र आए। उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ रख के यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्मूथनेस दिया, और इस तरीके से ही मैं यहाँ पे आगे इसे कंटिन्यू करता जाता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ कंटिन्यू कर दिया, आप देखेंगे कुछ इस तरीके का मेरा जो डिज़ाइन है वो बन रहा है। तो काफ़ी स्मूथ डिज़ाइन मेरा यहाँ पर बन रहा है। तो ये वाला पार्ट मेरा बन चुका है। फिर नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है वो है ये, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट को सिलेक्ट किया और सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा, और इसी तरीके से मैं आगे कंटिन्यू करता जाता हूँ। आपको इसके लिए प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत होगी, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो पेन टूल पे जो कमांड है वो आपका बेटर होता जाएगा, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इसकी। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का कर्व हो चुका है और सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया, और मेरा जो ये लोगो है वो रेडी हो चुका है। आप देखेंगे इस तरीके का मेरा जो लोगो है वो रेडी
हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे साइड में सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर हम एक कलर फिल करते हैं। तो कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे आएगा आई ड्रॉपर, मैं सेम कलर ही पिक कर रहा हूँ। मैंने आई ड्रॉपर लिया और यहाँ पे मैंने कलर पिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों में क्या डिफरेंस आया है। तो देखना है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले से जूम करते हैं। तो देखो, जूम करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी है, जिससे हमने ट्रेस किया है, वो काफ़ी ही ख़राब है। यानी कि इस पर जो क्लियरिटी है वो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी क्लियर हमें मिल रहा है। तो ये जो मेरा जो डिज़ाइन है वो है वेक्टर और ये है मेरा रास्टर। तो मोस्टली बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपका रास्टर टू वेक्टर डिज़ाइन कन्वर्ट करवाते हैं। तो इस तरीके से आप पेन टूल से काफ़ी अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिक एग्जांपल था, आप इससे भी बेटर से बेटर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल सीखने जा रहे हैं वो है ऐड एंकर पॉइंट। तो ऐड एंकर पॉइंट क्या करेगा, यहाँ पे आप जाइए पेन टूल में। पेन टूल जैसे आप प्रेस करेंगे इस वाले जो आइकन पे, तो नीचे एक ऑप्शन आएगा ऐड एंकर पॉइंट। हमने पहले पेन टूल देखा था तो उसके अंदर ही हम कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे ऐड एंकर पॉइंट। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कोई एक शेप चाहिए होगा, सो मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके का। ये मेरा एक शेप है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यानी टोटल अभी 4 पॉइंट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अंदर ऐड करके और कोई डिज़ाइन क्रिएट करूँ। तो यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट क्या करेगा, जैसे ही आप यहाँ पे, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप पॉइंट नहीं रख सकते, तो यहाँ पे इस तरीके का आपको मैसेज आ जाएगा। तो ऑलरेडी जहाँ पे आपका ये पाथ का जो लाइन जा रही है आपकी, उस पाथ के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ऑलरेडी पॉइंट के ऊपर हमें नहीं करना है जहाँ पे पहले से क्रिएटेड पॉइंट है। सो मैंने एक पॉइंट यहाँ क्रिएट किया, एक पॉइंट मैंने यहाँ क्रिएट किया, ठीक है। तो अब यह मेरे दो एक्स्ट्रा पॉइंट आ चुके हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये जो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट किया उसको मैं कुछ इस तरीके से नीचे लेके आया और इस वाले पॉइंट को मैं कुछ इस तरीके से नीचे लेके आया। तो कुछ इस तरीके का मेरा कोई डिज़ाइन बन रहा है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को मैं लेके जाता हूँ ऊपर और थोड़ा सा इसे मैं रोटेट कर देता हूँ बेजियर से। यहाँ पे ये बेजियर पॉइंट है, इससे मैं थोड़ा सा इसे रोटेट करके शार्प कर लेता हूँ। तो कुछ मेरा इस तरीके का एक डिज़ाइन बन गया, आप देखेंगे। और मैं इसके अंदर एक कलर फिल कर लेता हूँ, लाइक मैंने एक कलर फिल कर लिया कुछ इस तरीके का। स्ट्रोक को बंद कर देते हैं तो आप देखेंगे कि मेरा इस तरीके का एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया। इसी तरीके से मैं और भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ऐड एंकर पॉइंट क्या करेगा, आप एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे उसे ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब हम देखेंगे डिलीट एंकर पॉइंट। इससे पहले हमने देखा था ऐड एंकर पॉइंट, अब हम देखेंगे डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट कैसे वर्क करता है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक शेप लिया कुछ इस तरीके का, एक सर्कल लिया और मैंने यहाँ पे लिया डिलीट एंकर पॉइंट। तो जो भी पॉइंट है उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट होने के बाद वो आपको कुछ इस तरीके का शेप देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे पॉइंट डिलीट हो गए हैं और वो शेप आपका यहाँ से चला गया है। अब इसका यूज़ हमें कैसे करना है, लाइक मान लीजिए मैंने कोई एक शेप लिया यहाँ पे इस तरीके का और उस पर मैंने यूज़ किया डिलीट एंकर पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैंने जैसे डिलीट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एक शेप मिल चुका है इस तरीके का, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने क्लिक किया और इस पॉइंट को मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे शेप जो है वो चेंज होता जा रहा है। मतलब शेप इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि वो पॉइंट डिलीट होते जा रहे हैं। तो इसका यूज़ हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए पहले हमने जो बनाया था इस तरीके का एक शेप हमने बनाया था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुझे ये शेप नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इस पॉइंट को मैं क्लिक कर दूँगा तो आप देखेंगे वो शेप मेरा चला गया है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि आपको वो शेप नहीं चाहिए तो आप उस पॉइंट को यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, तो यहाँ पे वो पॉइंट आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट का यूज़ करते हैं। सो हम अब स्टार्ट करेंगे एंकर पॉइंट। इससे पहले हमने देखा था डिलीट एंकर पॉइंट, तो यहाँ पे आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा एंकर पॉइंट टूल। तो हम यहाँ पे कोई एक शेप लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक शेप लिया कुछ इस तरीके का और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने इस पॉइंट पे सिलेक्ट किया, आप देखें तो ये वर्क कुछ इस तरीके से कर रहा है।
मैं पर्टिकुलर इस एंकर को पॉइंट जो है मेरा एंकर पॉइंट उसको मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ और यहाँ पे उसको रीशेप भी कर सकता हूँ। तो आप चाहते हैं कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है आप उसको रीशेप करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसे रीशेप कर सकते हैं और एक नया डिज़ाइन उससे क्रिएट कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के भी आप यहाँ पे शेप को चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो उसका शेप था वो चेंज हो चुका है। अब अलग अलग शेप में अलग अलग वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने एक सर्कल लिया और सर्कल के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका एंकर पॉइंट का, तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी इस तरीके से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं चाहूँ तो इसे काफ़ी अच्छे से इसका लोगो भी आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके के, मैं आपको एक लोगो को जैसा बना के दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का मेरा सिंपल सा एक डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लोगो को मॉडिफाई करने में या फिर किसी भी टेक्स्ट को भी हम इससे मॉडिफाई करते हैं। जहाँ पे भी एंकर पॉइंट आता है वहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का मॉडिफिकेशन करने को मिलेगा इस टूल के थ्रू। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंकर पॉइंट का यूज़ करके पर्टिकुलर किसी भी एंकर पॉइंट को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अगला टूल। सो अब जो हम यूज़ करने वाले वो है कर्वेचर टूल। तो देखते हैं किस तरीके से कर्वेचर टूल को यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस टूल बॉक्स में और यहाँ पे मुझे मिलेगा कर्वेचर टूल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देखिए कि पॉइंट आ रहा है जैसे हमने पेन टूल में भी देखा था, और सेकेंड पॉइंट रख के हमें वहाँ पर मूव करना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ये अपने आप यहाँ पर आपको जैसे कर्वेचर यानी कि कर्व, तो आपको यहाँ पर कर्व मिल रहा है और इस तरीके काफ़ी स्मूथ कर्व आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे अब डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो काफ़ी स्मूथ डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलती है और कर्व काफ़ी स्मूथ मिलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके का एक पिक्चर है, ठीक है, और मैं इसे ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मैं कर्वेचर टूल की मदद से इसे ड्रॉ करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया कर्वेचर टूल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट रखा, सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ रखा, उसके बाद मैं इसे कर्व नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, अल्टर बटन आपको प्रेस करना है आपके कीबोर्ड से और उस पर पॉइंट पे आपको क्लिक कर देना है। सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लिक करना है और अल्टर बटन पे फिर से आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना है। इसी तरीके से यहाँ भी अल्टर बटन आपको प्रेस करके ही रखना है, ठीक है। और मैं इस तरीके से यहाँ पर यहाँ इस तरीके का एक ड्रॉ कर रहा हूँ कर्व, क्योंकि मैं बाद में करूँगा। और मैंने अल्टर बटन आपको याद रखना है कि आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखना है। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब कर्वेचर टूल से मैं किस तरीके से कर्व करता हूँ वो देखिए। तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया पॉइंट से और इस तरीके से ले जाके मैंने इसे कर्व कर लिया। देखें काफ़ी अच्छे से ये कर्व हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ रखा और इस तरीके से आप यहाँ पर ईजीली इसे, अब आपको कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस नहीं करना है, ठीक है, खाली आपको इसे सेट ही करना है। तो अब सिंपली इसे इस तरीके से जैसा आपका शेप है वैसा आप ले जाइए इसे और यहाँ पे आप इसे सेट कर दीजिए। बहुत ही इजी है कर्वेचर टूल से इसे सेट करना। तो इस तरीके से मेरा कर्वेचर टूल के थ्रू मैं यहाँ पे इजीली एक शेप में इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो काफ़ी ईजीली ये शेप कन्वर्ट हो गया। अब देख लेते हैं हम इसमें किस तरीके का आउटपुट आया हमारा। इसे साइड में रख लेते हैं हम और इस पर कोई भी कलर हम फिल कर लेते हैं। तो लाइक मैंने एक कलर फिल किया रेड, तो अब देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का मेरा शेप आया है। तो मैंने ईजीली कर्वेचर के थ्रू इसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कर्व था आप देखें काफ़ी कर्व्स हैं, इसीलिए मैंने इस टूल का यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप भी कर्वेचर टूल के थ्रू इस तरीके के कोई भी शेप हो उसे आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो और अच्छे से बढ़िया आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले वो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि कोई भी डिज़ाइन हो उसके अंदर टेक्स्ट का यूज़ काफ़ी किया जाता है ताकि जो भी हमारा मैसेज है वो ईजिली कन्वे हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने टूल बॉक्स से लिया यहाँ पे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे आप सिलेक्ट करके आपको आर्टबोर्ड पे करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग करना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी से डिज़ाइन, जो हमारे चैनल का नाम है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसे स्केल करूँ, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे
इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ, तो आप फॉन्ट साइज़ में जाइए और इस तरीके से मैक्सिमम आपका जो है 72 है और मिनिमम आपका 6 है। आप चाहते हैं कि 72 से भी ऊपर मैं रखना चाहूँ तो आप सिंपली यहाँ पे जाके मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा। मैंने मान लीजिए 100 किया तो आप यहाँ पे मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा। सो इस तरीके से मेरा यहाँ पर टैक्स आ गया। उसके अंदर मैं कलर कोई भी फिल कर सकता हूँ, आप चाहे तो यहाँ से भी कलर ले सकते हैं, तो इस जगह पर भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ से भी आप डायरेक्टली कलर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर मैंने चूज़ किया, तो इस तरीके से यहाँ पे भी कलर आ गया। उसके स्टाइल है यहाँ पे, आप जाइए कैरेक्टर स्टाइल में, तो आप कोई भी कैरेक्टर स्टाइल ले सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके का लिया, आप कोई भी कलर स्टाइल ले सकते हैं, सॉरी फॉन्ट स्टाइल, और साथ में आप नेट से भी डाउनलोड करके अलग अलग फॉन्ट स्टाइल को अपने पीसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब हम जो देखने वाले हैं उस टूल का नाम है एरिया टाइप टूल। तो देखते हैं हम किस तरीके से एरिया टाइप टूल वर्क करता है। तो आपको जाना है यहाँ पे टेक्स्ट मेन्यू में और इसके नीचे आपको मिलेगा एरिया टाइप टूल। तो एरिया टाइप टूल पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे वो टाइप नहीं करने दे रहा है। जैसे कि नाम है उसका एरिया टाइप टूल, यानी कि वो पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर ही टाइप करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ शेप ले लेता हूँ। तो लाइक मैंने एक शेप ले लिया, मान लीजिए मैंने एक इस तरीके का एक सर्कल ले लिया और सर्कल के अंदर मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे जाके सेंटर में कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का आपको मैसेज देगा। तो पर्टिकुलर जो पाथ है वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का जो शेप के अंदर ही वो टेक्स्ट आए हैं। मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी कर रखे थे, आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से भी आप टाइप करके यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप कर सकते हैं। तो वो उसी एरिया के अंदर आएगा, उससे बाहर वो नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एरिया टाइप टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम एक और एग्जांपल, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया है कि हम और किसी शेप में भी इसे कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्टार और इसके अंदर मैं यहाँ पे एरिया टाइप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है वो स्टार शेप में आए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एरिया टाइप टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है टाइप ऑन पार्ट टूल। और जो ये हमने देखा था पहले वाला, वो था एक एरिया के अंदर वो उसको टेक्स्ट को फिल कर रहा था। अब ये जो हमारा जो टूल है टाइप ऑन अ पाथ, यानी कि ये किसी भी पाथ के ऊपर टाइप होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरीके का एक शेप लिया और यहाँ से मैं ले रहा हूँ टाइप ऑन पाथ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये पाथ के ऊपर आपका टेक्स्ट आया है। आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर आप बढ़ाएंगे इसका साइज़ आपके टेक्स्ट का, तो ये इस तरीके से इंक्रीज भी हो जाएगा। अब मैंने पहले से ऑलरेडी कॉपी कर रखा था इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं एक और शेप ले लेता हूँ यहाँ पे और इसके ऊपर मैं ले लेता हूँ टाइप ऑन पाथ। अगर आपको लग रहा है आपको टाइप करना है तो आप यहाँ पे नॉर्मली कीबोर्ड से आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो पाथ के ऊपर इस तरीके से टाइप होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप के पाथ के ऊपर आप टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन क्रिएट किया। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो है वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल, आप जाइए टेक्स्ट टूल के अंदर, यहाँ पे मिलेगा आपको वर्टिकल टाइप टूल। देखिए मोस्टली क्या होता है, कभी हमारे पास ऐसे डिज़ाइन आते हैं जिसकी जो विड्थ है वो कम होती है, लाइक उसका जो हाइट तो काफ़ी होता है बट यहाँ पे जो विड्थ है वो कम है। तो हमारे पास टेक्स्ट लिखने के लिए इतना स्पेस नहीं होता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्टिकल टाइप टूल, ताकि जो हमारे टेक्स्ट है वो ईजीली इस साइज़ में फिट हो जाए। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डी से डी डिज़ाइन, तो मैंने ये टाइप किया। अब ये वर्ड मैं यहाँ पे इस साइज़ में इजीली सेट कर सकता हूँ, बट मैं उसे हॉरिजॉन्टली मैं आप देखेंगे तो वो सेट होना थोड़ा सा मुश्किल है। हो तो जाएगा बट उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको उतना विजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसको स्पेस काफ़ी कम मिलता है। तो अगर आपके पास इस साइज़ का कोई डिज़ाइन है तो आप वहाँ पर वर्टिकली टाइप करके डिज़ाइन को आप और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं वो है वर्टिकल एरिया टाइप टूल, यानी कि जो भी आप लिखेंगे वो वर्टिकली टाइप होगा,
लेकिन किसी भी फिक्स एरिया के अंदर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया एक रेक्टेंगल और यहाँ से मैंने लिया वर्टिकल एरिया टाइप टूल। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तब देखेंगे कि यहाँ पे जो आपने जो भी टाइप किया है वो वर्टिकली आ रहा है। तो आप नॉर्मली आप टाइप करिए इस तरीके से आपके कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे ये वर्टिकली टाइप हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ भी टाइप करना है वर्टिकली तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से यानी किसी भी शेप के अंदर आप इसे ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस बार ये शेप लिया, लेकिन ये टाइप जो है वो वर्टिकली ही करेगा। सो मैं यहाँ पे फिर से वर्टिकल एरिया टाइप टूल ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे जो भी मेरा कंटेंट आया है वो वर्टिकली आया है। तो आप इस टूल का यूज़ जब भी आपको वर्टिकली कोई टेक्स्ट लिखना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो जो अब हम यूज़ कर रहे हैं वर्टिकल ऑन पाथ टूल, यानी कि हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो पाथ पे सिलेक्ट होगा लेकिन वर्टिकली टाइप होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक पाथ क्रिएट कर देते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे एक इस तरीके का मैंने एक पाथ क्रिएट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मुझे कुछ इस तरीके का टेक्स्ट मिला जो कि पाथ के सेंटर से होके जा रहा है। और अगर मान लीजिए मैं जो हमने इससे पहले वाला देखा था, अगर वैसा मैं इसे एक बार देख लेता हूँ, जो टाइप ऑन पाथ टूल था, तो टाइप ऑन पाथ टूल में क्या हो रहा था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑन पाथ के ऊपर ये पाथ के ऊपर आ रहा था, पाथ के ऊपर ये टेक्स्ट आपका आ रहा था और ये जो है वो पाथ के सेंटर में आ रहा है और वर्टिकली ये टाइप हो रहा है। तो आप किसी भी शेप के अंदर इसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप में आप चाहें तो कोई भी शेप ले सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए मैंने इस तरीके का शेप लिया है और आप चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो आपका टेक्स्ट आ जाए, तो सिंपली आपको क्या करना है, वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल को सिलेक्ट करना है तो जो भी आपका टेक्स्ट है वो आपका पाथ के ऊपर यानी कि सेंटर में आएगा इस तरीके से वर्टिकली। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल सीख रहे हैं उसका नाम है टच टाइप टूल। टच टाइप टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं तो चलिए देखते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लीजिए, अब मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा अपने चैनल का नाम डी से डिज़ाइन, इसे मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट टूल में और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे टच टाइप टूल, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ये क्या करेगा, आप जिस पर्टिकुलर एक जो आपका वर्ड है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। आप देखिए इंडिविजुअली ये सभी को सिलेक्ट कर लेता है। आप चाहते हैं इसे मूव करना तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक को पकड़िए एक, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इस तरीके से मूव हो रहा है, यानी कि आप पर्टिकुलर एक वर्ड को भी आप अलग अलग कर सकते हैं इस टूल की मदद से। तो ये काफ़ी ईजी है। तो इस टाइप का अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप टच टाइप टूल की मदद से आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। अब जो हम देखेंगे उसका नाम है लाइन टूल। तो यहाँ पे हम लाइन टूल की मदद से एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिया एक रेक्टेंगल, इस तरीके का आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लाइन टूल। आप इस तरीके से आप देखेंगे आप कहीं पर भी इस तरीके का आप लाइन ले सकते हैं, किसी भी आप एंगल में इस लाइन को ले सकते हैं। तो इसकी मदद से हम एक नोटबुक बना रहे हैं उसका इनसाइड पेज। तो देखिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैंने एक लाइन ली और यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ इस तरीके से, सॉरी, और यहाँ पे मैंने एक कलर चेंज कर दिया इस तरीके का। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस लाइन को लिया। अब देखिए लाइन को स्ट्रेट करने का आप शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। शिफ्ट बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट जा रहा है आपका जो लाइन है। उसके बाद इसका कॉपी लेने के लिए अल्टर प्रेस कीजिए, अल्टर और शिफ्ट से वो स्ट्रेट जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसका एक कॉपी ले लिया, एक और कॉपी ले लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ, सॉरी कॉपी की ज़रूरत नहीं है हम क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करूँगा और इस तरीके से मेरा एक और यहाँ पर लाइन आ गई, इसका हम कॉपी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉपी ले लिया इस तरीके का। फिर से हम एक और कॉपी ले लेते हैं अल्टर से और इसका कलर हम यहाँ पर कर देते हैं ब्लैक,
और इसके और कॉपीज लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसे अल्टर से कॉपी किया और कंट्रोल डी, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन मिला। लाइन टूल की मदद से हमने एक एक कॉपी का जो पेज आता है वो हमने बनाया। अब इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको लाइन की मदद से जो लाइन से जो भी डिज़ाइन बनते हैं तो आप वो बना सकते हैं अलग अलग तरीके के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन टूल को यूज़ किया। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब हम जो यहाँ पे टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है आर्क टूल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आर्क को सिलेक्ट किया। आर्क क्या करेगा, इस तरीके का आपको कोई भी अगर आपको आर्क चाहिए यानी कि इस तरीके का, तो आप यहाँ पे इस टूल की मदद से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं एक इस तरीके का एक यहाँ पे आर्क से डिज़ाइन क्रिएट कर रखा हूँ। आप लोगो वगैरह में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने इसका इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट किया। अब आप इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका, तो यहाँ से जाके आप इसके जो स्टाइल उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ इस तरीके का मेरा एक डिज़ाइन आया यहाँ पे आप देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं इसको फ्लिप करना तो आप यहाँ पे अल्टर से इसका कॉपी ले लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से कर लीजिए रिफ्लेक्ट। और यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आर्क से कोई भी लोगो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो का कोई डिज़ाइन हो या ग्रास आपको बनानी है, हेयर आपको बनाने हैं, तो आप इस टूल की मदद से ये बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल सीखने वाले हैं उसका नाम है स्पायरल टूल। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्पायरल टूल, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से इसे ड्रैग कीजिए तो आप देखेंगे इस तरीके का स्पायरल आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चाहें तो उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर दी 10। और उसके पास में एक ऑप्शन आ रहा है इस तरीके का स्टाइल, तो आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स आपको मिलते हैं, तो आप देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे राउंडेड हो गया है कॉर्नर से, तो आपको जैसा भी स्टाइल पसंद हो वो आप रख सकते हैं। तो मैं भी फ़िलहाल जो अपना स्टाइल है वो इस तरीके का रखना चाह रहा हूँ, तो ये भी स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप इसको थोड़ा स्केल कर लीजिए इस तरीके से, आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन मिल रहा है। इसका मल्टीपल डिज़ाइन करके हम एक पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे इसे लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल डी से मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे मल्टीपल कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके कलर चेंज कर लेता हूँ, आप कोई भी कलर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रेड, उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कलर ब्लू। सो अभी मैं इतने ही ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, और आप चाहें तो और भी कॉपीज करके इस तरीके से इसे ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है डिज़ाइन ये क्रिएट हमें करके देगा। हमने देखिए एक स्पायरल लिया था और सिर्फ कलर चेंज करने से ही हमें काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन मिल गया है। सो उसके बाद मैं इसका एक और कॉपी लेता हूँ अल्टर से, और राइट क्लिक करके मैं इसे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए इसलिए मैं यहाँ पे इसे रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ और ओके। अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके का मेरे पास डिज़ाइन आ चुका है। इसके मैं कॉपीज़ कर लेता हूँ इस तरीके से, आप देखेंगे यहाँ पे कॉपीज़ आ गए, तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एक पैटर्न क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्पायरल यूज़ करके अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल देख रहे हैं वो रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, उसके बाद इस तरीके से मैंने ड्रैग किया, तो आप देखेंगे कुछ मुझे इस तरीके का ग्रिड मिला। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रिड में लाइन है वो काफ़ी कम चाहिए मुझे, ये काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। सो आप क्या करिए, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली आपका जो आर्ट बोर्ड है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें नंबर है आपका हॉरिजन 5 और वर्टिकल 5, यानी कि आपको 5 हॉरिजन लाइंस एंड 5 वर्टिकल लाइन मिलेगी। मैं चाहता हूँ इसे कम करना, तो आप यहाँ पे मान लीजिए आपको 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ और यहाँ पे 5 रहने देता हूँ। सो मैं जैसे ओके करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको इस तरीके की 1, 2, 3 लाइंस और यहाँ पे आपको 5 लाइंस मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इस तरीके से ग्रिड को डिवाइड भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर से इसे 5 कर लेता हूँ और ओके करता हूँ।
अब नेक्स्ट हम इससे क्या कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन किस तरीके की बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिया, इसे आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अनग्रुप। तो आप जैसे अनग्रुप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये, यहाँ पे जो आपका पूरा डिज़ाइन था वो अनग्रुप हो चुका है, यानी कि हर लाइन अनग्रुप हो चुकी है। आप देखेंगे इस तरीके से सब कुछ अनग्रुप हो चुका है, तो ये इस तरीके से अलग हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैंने सिलेक्ट किया, और जैसे सिलेक्ट किया तो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है इस तरीके का यूनिफॉर्म, उसमें जाके मैंने इसे सिलेक्ट किया। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का मुझे एक डिज़ाइन मिला। अब मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे गया, इसे मैंने इस तरीके से रोटेट कर लिया। आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आया, इसे थोड़ा सा स्केल भी कर लिया, तो यहाँ पर मुझे एक डिज़ाइन मिला। इस डिज़ाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली आप इसे सिलेक्ट करो और अल्टर के साथ आप यहाँ पर इसे कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे आप कॉपी करके देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आया, और यही डिज़ाइन मैं नीचे भी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी इसे, सॉरी, अल्टर आप प्रेस करके रखिए और आपको यहाँ पे इसे इस तरीके से लाके छोड़ देना। तो आप देखेंगे यहाँ कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना। आपको ऐसे जो यूनिक पैटर्न आप इससे बना सकते हैं। इसी को फिर से मैं ग्रुप कर लेता हूँ, कि कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप किया और इसका एक और कॉपी मैंने ले लिया, और इसे मैं थोड़ा सा स्केल आउट करता हूँ और इसके अंदर रख लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये कुछ एक नया डिज़ाइन क्रिएट हुआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल देख रहे हैं उसका नाम है पोलार ग्रिड टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया लाइन पर, लाइन के जस्ट आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको पोलार ग्रिड टूल। अब इसे इस तरीके से आप ड्रैग कीजिए तो आपको इस तरीके का एक डिज़ाइन मिलेगा। अब इसे हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। आप इसे सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आप इसे अलग भी कर सकते हैं, और पर्टिकुलर ये सर्कल जो है आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन आएगा अनग्रुप, आप चाहें तो इसे अलग अलग कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं कुछ डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ इससे। तो मैं यहाँ पे इसे एक अंदर के जो सर्कल्स को सिलेक्ट किया उसमें कलर मैंने फिल कर दिया, सेकंड सर्कल मैंने सिलेक्ट किया, इस तरीके से मैं अलग अलग कलर इसके अंदर फिल कर देता हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे रेड, जो भी आपको अच्छा लगे, ब्लू ले लेते हैं, और एक और कलर हम ले लेते हैं, चलिए यही कलर ले लेते हैं, ठीक है। अंदर का एक कलर मुझे लग रहा है कि मुझे चेंज करना चाहिए, सो मैं यहाँ पे उस कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो इस तरीके का मेरा एक डिज़ाइन बना पोलार ग्रिड से। अब मैं इसे थोड़ा स्केल कर लेता हूँ, और इस तरीके से मैं इसे थोड़ा सा अल्टर से एक कॉपी ले लेते हैं हम इस तरीके की, और कंट्रोल डी से आप मल्टीपल यहाँ पर इस तरीके से इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। और फिर से मैंने सभी को सिलेक्ट किया और अल्टर के साथ मैंने फिर से एक कॉपी लिया, और कंट्रोल डी के साथ मैंने इस तरीके का डुप्लीकेट किया। आप देखिए काफ़ी अच्छा सा मुझे यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो मिल चुका है। तो इस तरीके से हम पोलार ग्रिड से काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो अब जो हम इसके अंदर टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है रेक्टेंगल टूल। आपको टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रेक्टेंगल टूल। आप इस तरीके से इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। आप इसे स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपके रेक्टेंगल को, और सिंपली यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आया। अब अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो उसका हाइट और विड्थ दोनों सेम होने चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 200x200 लिख लिया, तो आप देखेंगे मेरा एक स्क्वायर यहाँ पे बन चुका है इस तरीके से। आपने मोस्टली देखा होगा जो भी डिज़ाइन होते हैं वो रेक्टेंगल या स्क्वायर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके का एक रेक्टेंगल से अपना एक विजिटिंग कार्ड बना सकता हूँ। साथ में अगर आप देखेंगे कि इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े से राउंड है, बहुत सारे विजिटिंग कार्ड के कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड नहीं होते हैं, और बहुत सारे विजिटिंग कार्ड के कॉर्नर्स राउंड होते हैं। तो मोस्टली अगर मान लीजिए मैंने एक ले लिया इस तरीके का एक रेक्टेंगल, और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा राउंड हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
यहाँ पे आप देखेंगे ये डॉट आ रहा है, आप इस डॉट पे सिलेक्ट कीजिए और इसको अंदर की तरफ ड्रैग कीजिए इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि आपका जो रेक्टेंगल था वो उसका जो कॉर्नर है वो यहाँ पे राउंड हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से विजिटिंग कार्ड के अंदर भी अपने कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं और इस रेक्टेंगल से आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा टूल। अब जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे टूल बॉक्स में, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। इसको जैसे ही आप ड्रैग करेंगे इस तरीके से तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके कॉर्नर जो है वो राउंड आ रहे हैं। आपने इसे पहले देखा होगा कि हमने उसे राउंड किया था। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो राउंड है वो थोड़ा सा आप बड़ा करना चाहते हैं तो सिंपली इसका तरीका है, आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाके आप कर दीजिए इसको क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कॉर्नर रेडियस, इसको आपको बढ़ा देना। मान लीजिए मैंने कर लिया यहाँ पे 100 और यहाँ पे किया ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो बढ़ चुका है। अगर आपको कोई इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है तो आप राउंडेड रेक्टेंगल से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा टूल। अब जो हम टूल यूज़ करेंगे उसका नाम है एलिप्स टूल। आपको जाना है टूल बॉक्स में और सेलेक्ट करना है एलिप्स टूल को। यहाँ पे जाके आप इस तरीके से, आप जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे इस तरीके का आपको एक जो आपका सर्कल है वो दिखाई देगा। आप चाहें तो इसे ओवल शेप में भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एलिप्स को और देन उसके बाद आप इस तरीके का एक ओवल शेप भी ले सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके का शेप ले लिया। अब मान लीजिए मैं एक शेडो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ले लिया ब्लैक कलर। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का मेरा डिज़ाइन बन रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप एलिप टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। अब जो हम टूल देख रहे हैं उसका नाम है पॉलीगॉन टूल। आपको जाना है टूल बॉक्स में, यहाँ पे सेलेक्ट करना है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल को आप जैसे ड्रैग करेंगे तो इस तरीके का आपको एक पॉलीगॉन नज़र आएगा। आप इसके स्ट्रोक में भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्ट्रोक का कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो आपको नज़र आएगा इस तरीके का एक पॉलीगॉन। आप चाहते हैं पॉलीगॉन का जो कॉर्नर्स है वो आप बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है पॉलीगॉन पे और यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 6 है। आप चाहते हैं मान लीजिए आपको ट्रायंगल बनाना है तो आप यहाँ पे कर लीजिए 3 एंड उसके बाद कर दीजिए ओके। तो आप देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो गया है आपका ट्रायंगल में। इसी तरीके से आप उसे अलग अलग शेप में कर सकते हैं। लाइक फिर से मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पर कर लिया 8 एंड उसके बाद यहाँ पर किया ओके। तो आप देखेंगे जो मेरा डिज़ाइन है वो इस तरीके से बन चुका है। अब इसी डिज़ाइन को मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक कलर फिल कर लिया इस तरीके का और इसका मैं एक कॉपी ले लेता हूँ अल्टर से और इसी तरीके के मैं और कॉपीज ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक डिज़ाइन बन रहा है। यहाँ पे मैंने इनका और कॉपी ले लिया तो इस तरीके का आप देखेंगे मेरा एक डिज़ाइन बन चुका है। अगर आपको इस तरीके कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो आप पॉलीगॉन टूल से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है स्टार टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। आपको जाना है टूल बॉक्स में और यहाँ से सेलेक्ट करना है स्टार टूल। आप इस तरीके से इसे ड्रैग कीजिए तो आपके सामने एक स्टार का शेप आ जाएगा। उसके बाद मैं इसे मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और आप देखेंगे कुछ इस तरीके के यहाँ पे पॉइंट्स आ गए हैं। इन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सिलेक्ट और यहाँ पे जो आपको इस तरीके के छोटे छोटे यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं इन्हें आप बाहर की तरफ लेके जाइए या फिर अंदर की तरफ। देखेंगे यहाँ पर शेप चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो स्टार का शेप था वो कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। नेक्स्ट फिर से हम देखते हैं इसके कुछ अलग शेप मॉडिफाई करके। फिर से मैंने यहाँ पर स्टार लिया। अब मैं यहाँ पे ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इसका कुछ इस तरीके के ऑप्शन ओपन हो गए हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉइंट थे वो 5 हैं, इस बार मैं इनको चेंज करके कर लेता हूँ 9। आप नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, 10, 12 जो भी आप लेना चाहें। तो मैंने यहाँ पर लिया है 9। आप देखेंगे कि जो उसका शेप है वो इस तरीके से आया है। अब फिर से हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से हम इसको अंदर की या बाहर की तरफ ले लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक पॉइंट रह गया हमारा,
उसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे बाहर की तरफ ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि फिर से मेरा जो शेप है स्टार का वो चेंज हो गया है। इस तरीके से हम अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक डिज़ाइन हम और बना के देख लेते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ स्टार और इस बार मैं अंदर के पॉइंट्स की जगह पे बाहर के पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए शेप में क्या चेंज आता है। तो मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे इन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे सारे पॉइंट्स मेरे सिलेक्ट हो गए और उसके बाद मैं इसे अंदर की तरफ ट्रैक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा सा मेरा एक डिज़ाइन बन चुका है। तो इस तरीके से आप अपने स्टार के शेप को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट जो मेरा टूल है वो है फ्लेयर टूल। आपको जाना है टूल बॉक्स में, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको फ्लेयर टूल। और ये टूल आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ही मैं इसे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको एक डिज़ाइन मिला। इसे जो सन का जो फ्लेयर आता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कोई भी अगर ऐसा आपके पास डिज़ाइन है तो आप यहाँ से ड्रैग करके इसे इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे तो आपको इस तरीके का एक डिज़ाइन मिलेगा। ये मल्टीपल जगह पे यूज़ होता है। कभी कभी हम इसे अपने कोई कार्टून है उसकी आइज़ वगैरह बनानी हो सो हम इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे कार्टून की आइज़ बनाने में यूज़ करिए या फिर आप फ्लेयर बनाने में यूज़ करिए। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। तो अब जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है पेंट ब्रश टूल। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेंट ब्रश टूल। देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे कोई भी पेंट करने के लिए इसका यूज़ करना है। तो मान लीजिए मैं कोई इससे एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इस तरीके से एक राउंड, उसके अंदर मैं एक आइज़ बना लेता हूँ इस तरीके से। मेरा पेंटिंग इतना अच्छा नहीं है बट कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे हम उसके कुछ हेयर बना लेते हैं और इस तरीके से। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है लाइक कार्टून या कोई भी आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं इस पेंट ब्रश के थ्रू। देखा पेंट ब्रश काफ़ी ही इजी टूल है डिजिटली आपको अगर कोई भी डिज़ाइन करना है तो कुछ इस तरीके से मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। तो एक सिंपल सा एक कार्टून मैंने क्रिएट किया है। तो आप इस तरीके से पेंट ब्रश टूल का यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसके कुछ ऑप्शंस भी हैं। आप यहाँ पे जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया इस तरीके से मान लीजिए, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये जो स्ट्रोक है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसका स्ट्रोक बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रोक अभी कन्वर्ट हो गए हैं इस पैटर्न के अंदर। वैसे ही आप इसे अलग अलग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस बार मैं ऐसा कर लेता हूँ या फिर इस बार हम ऐसा ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो चेंज भी हो रहा है। सिंपली आप सबको भी एक साथ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन दिखाई देगा। जस्ट इसके पास पे भी आप देखेंगे इस तरीके का आपको ब्रशेस मिलेंगे। अगर आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली मैंने पहले से इसे सिलेक्ट कर रखा है कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी अपने डिज़ाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो हमारा नेक्स्ट टूल है ब्लॉक ब्रश टूल। आपको यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ब्लॉक ब्रश टूल। इसमें आपको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं स्ट्रोक आप क्रिएट करते हैं वो काफ़ी ही स्मूथ आता है। आप देखेंगे इस तरीके से। अब मैं इससे कोई भी सिग्नेचर या ऐसा कोई भी काम करना चाहता हूँ जो स्मूथली स्ट्रोक दे। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से किया, आप देखेंगे अपने आप ही ये स्मूथ हो गया था। काफ़ी स्मूथली ये इसे स्ट्रोक को बना लेता है। तो जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पे से ब्लॉक ब्रश टूल को यूज़ किया, मैंने कुछ इस तरीके के पॉइंट क्रिएट किए। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ छोटे 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 ऐसे पॉइंट क्रिएट कर दिए हैं। अब मैं इसका कॉपी ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसका कलर कर दिया रेड एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके इसे कलर दे देता हूँ ग्रीन। एक कॉपी हम और कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर लिया ब्लू। इस तरीके से मैंने कुछ कलर किए हैं आप देखेंगे। और इसे मैं मल्टीपल कॉपीज़ कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉट से भी हम काफ़ी अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं।
थोड़ा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डॉट से ही मेरे बहुत ही अच्छे डिज़ाइन क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरीके से ब्लॉक ब्रश से आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। अब जो हम टूल यूज़ करेंगे उसका नाम है शेपर टूल। अब शेपर टूल कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है शेपर टूल को। उसके बाद अगर आप इस तरीके से इसे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मान लीजिए एक सर्कल बनाना है, तो शेपर टूल से आप सिंपली एक सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। एकदम करेक्ट नहीं चाहिए हमें, तो सिंपली आपको ड्रॉ करना है। तो आप देखेंगे अपने आप इसने इस तरीके का सर्कल बना लिया। मान लीजिए मैंने इस बार इस तरीके से कुछ ड्रॉ किया, तो देखिए इस तरीके का इसने अपने आप एक शेप क्रिएट कर लिया है। एंड आप जो भी आप शेप क्रिएट करेंगे ये अपने आप ही उसे करेक्टली ड्रॉ कर देगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी शेप क्रिएट कर सकते हैं शेपर टूल के थ्रू। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल कैसे वर्क करता है तो चलिए देखते हैं। आपको सेलेक्ट करना है पेंसिल टूल को और इस तरीके से आपके सामने एक पेंसिल आ जाएगी। नॉर्मली जैसे किसी को समझाना है या कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, मान लीजिए समझाना है जैसे कि मेरे को ए मुझे लिखना है प्लस बी, ऐसा कुछ भी जो नॉर्मली हम पेंसिल से करते हैं, या कुछ भी हमें राइट डाउन करना है तो हम इस टूल के थ्रू कर सकते हैं, या फिर कोई भी डिज़ाइन भी हम नॉर्मली इससे क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके का माउंटेन क्रिएट किया, आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आ गया। इसे आप सिलेक्ट करके यहाँ पे सेम ऑप्शन आपको जो हमने पहले देखे थे वो यहाँ पे आ गए हैं। इसका जो आप स्ट्रोक रेट है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ स्ट्रोक रेट बढ़ चुका है, और इसी तरीके से आप इसे सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप इसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ उसके शेप भी चेंज हो रहे हैं और स्ट्रोक जितना आपको चाहिए आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना हो तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो हमारा नेक्स्ट टूल है स्मूथ टूल। तो हम जाएंगे टूल बॉक्स में, यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेंसिल। अभी मैं पेंसिल इसलिए ले रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इसके लिए कुछ ना कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या करेगा, जो पॉइंट आपके शार्प हैं उस पर अगर आप इस तरीके रब करेंगे तो आप देखेंगे ये पॉइंट आपका स्मूथ हो रहा है इस तरीके से। जैसे जैसे आप इस पर रब करेंगे ये आपका पॉइंट स्मूथ होता जाएगा। तो इस तरीके से आपने कोई अगर पेन टूल से कोई डिज़ाइन बनाया या कोई भी डिज़ाइन बनाया और आपको लग रहा है कि वो पॉइंट जो है वो शार्प है, इसके थ्रू आप उसे स्मूथ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। अब जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है पाथ इरेजर टूल। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पाथ इरेजर टूल, लेकिन उससे पहले आपको एक पाथ की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली पेंसिल लेता हूँ, यहाँ से एक पाथ क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे पाथ इरेजर में और सिंपली आपको यहाँ पे जाके इस तरीके से रब करना है। अब क्या हुआ आप देखेंगे, आप यहाँ पे जाइए सिलेक्शन टूल पे और ये पॉइंट को आप यहाँ से मूव करिए, तो देखिए कि इसने इसे इरेज कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे जाके पाथ इरेजर के थ्रू उसे कट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है जॉइंट टूल। तो मैं यहाँ पे एक पेंसिल से एक डिज़ाइन बना लेता हूँ कुछ इस तरीके का। अब आप देखेंगे यहाँ पे दो पॉइंट हैं कुछ इस तरीके के, लेकिन मैं चाहता हूँ ये दोनों पॉइंट को मैं जॉइंट कर दूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाके जॉइंट टूल को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस पॉइंट से आपको टच कर देना। तो जैसे ही आप टच करेंगे तो देखिए ये पॉइंट जो अलग था वो यहाँ पे जॉइंट हो गया है। अगर आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पर आपको लगता है कि मुझे इसको जॉइंट करना है, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। अब जो हम टूल देखने वाले हैं उसका नाम है इरेजर टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एक सर्कल, उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया इरेजर टूल। इरेजर टूल जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, इरेजर इरेज करेगा इसे यहाँ से, तो डिलीट करेगा। तो मैं सिंपली मैंने इसे इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग किया, तो आप देखेंगे ये यहाँ से कट हो चुका है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ से लिया, आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से ये अलग हो चुका है, और आप इस तरीके से देखेंगे कि हर एक पार्ट को उसने कट कर दिया। तो काफ़ी ही अच्छा लग रहा है ये, और मोस्टली लोगों के अंदर जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं वो इरेजर टूल से काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन हम बना पाते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया इस तरीके का फिर से, और इरेजर टूल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने ऐसे फिर से इरेजर टूल को सिलेक्ट किया और कुछ इस तरीके का मैंने इसे
यहाँ पे ड्रैग किया और यहाँ पे मैंने कलर कर दिया ब्लू। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक लोगो और मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप इरेजर टूल के थ्रू अच्छे से अच्छे लोगो या अच्छे से अच्छे डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है सीजर टूल। सो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ से एक ले लिया रेक्टेंगल, इस तरीके का मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया सीजर टूल। इसको आप सिलेक्ट करिए, देखिए मैं यहाँ से बाहर की तरफ क्लिक करूँ या कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो ये वर्क नहीं करता है, ये पॉइंट टू पॉइंट वर्क करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे सिलेक्ट किया और लास्ट इस पॉइंट पे मैंने सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे ये डिवाइड हो चुका है। तो इस तरीके से ईजीली आप किसी भी पॉइंट को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस पर कलर फिल करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कलर फिल किया कुछ ऐसा और यहाँ पर मैंने एक और कलर फिल कर दिया कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक अच्छा सा डिज़ाइन बन चुका है। तो इस तरीके से आप सीजर टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है नाइफ़ टूल। सो मैंने यहाँ से एक सर्कल लिया इस तरीके का और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया नाइफ़ टूल। जैसे आप नाइफ़ टूल को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आप इस तरीके से कोई भी रैंडम डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ क्रिएट किया, आप देखेंगे। अब आप मूव टूल को सिलेक्ट करिए, आप देखेंगे यहाँ पे ये कट हो चुका है इस तरीके का। तो आप इस तरीके का कोई एग कट का डिज़ाइन हो मान लीजिए या ऐसा कोई मुझे डिज़ाइन क्रिएट करना हो तो काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक जब भी आपको इस टाइप का कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना हो तो आप नाइफ टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है रोटेट टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया एक सर्कल कुछ इस तरीके का, मैं इसकी कुछ कॉपीज़ ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी ले ली एक और एक कॉपी में और ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसकी एक कॉपी और ले लेते हैं। तो मेरा ये डिज़ाइन कुछ मैं इस तरीके से बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ सर्कल से ही कोई डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ। सो मेरा डिज़ाइन अभी रेडी है कुछ इस तरीके का। अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे रोटेट टूल को। तो उसे कैसे यूज़ करना है, देखिए सबसे पहले आपको इस सबको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका रोटेट टूल। रोटेट टूल कैसे वर्क करता है, जिस पॉइंट पर आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो फिक्स हो गया है। उसके बाद आप अल्टर बटन को अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए और यहाँ पे इस तरीके से इसे मूव कीजिए और अब अल्टर बटन को छोड़ दीजिए और अपने क्लिक को भी छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल डी। सो आप देखेंगे कि मुझे कुछ इस तरीके का एक डिज़ाइन मिल गया है रोटेट टूल के थ्रू। तो रोटेट टूल से हम काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसका एक और एग्ज़ाम्पल। अब ये देखिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं कोई और डिज़ाइन क्रिएट करा। तो लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस बार एक रेक्टेंगल लिया है और मैं इसी रेक्टेंगल को एक कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल हम एक, ताकि कुछ डिज़ाइन बने हमारा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ इसे रोटेट करना। सो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे रोटेट टूल को लेना है। इस बार देखिए मैं यहाँ पे जो इसका पाइवेट है थोड़ा दूर रख रहा हूँ। अब जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे मूव हो रहा है। अल्टर से आपको कॉपी करना है और आपके माउस से आपको इसको इस तरीके से ड्रैग करना है। तो मैंने इस बार कुछ ऐसा लिया एंड कंट्रोल डी प्रेस करना है जिससे वो डुप्लीकेट होगा। तो आप देखेंगे कि इस बार जो मेरा डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का आया है। तो इस तरीके से आप रोटेट टूल का यूज़ करके काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है रिफ्लेक्ट टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे एक इस तरीके का एक वर्ड लिखा है और यहाँ से सिलेक्ट किया रिफ्लेक्ट टूल। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से नीचे की तरफ सिलेक्ट करना है और इसका कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर अल्टर बटन को प्रेस कीजिए आपके कीबोर्ड से और इसे छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आ गया और मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ
तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का मेरा ये डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। तो आप देखेंगे अगर आपको कोई भी डिज़ाइन को रिफ्लेक्ट करना है तो ईजीली आप इस टूल के थ्रू उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है स्केल टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इस तरीके का एक रेक्टेंगल और उसके बाद सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से जाके स्केल टूल। स्केल टूल कैसे वर्क करता है, आप किसी भी एंगल में इसे इस तरीके से स्केल कर सकते हैं। नॉर्मली हमें वहाँ पे जाके सिलेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये इस तरीके का एक फ्रीडम देता है कि आप किसी भी तरीके से इसे स्केल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्केल टूल का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है शेयर टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ से इस तरीके का एक रेक्टेंगल लिया और उसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया शेयर टूल। शेयर टूल क्या करता है, इस तरीके से आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाए और इसी का मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अल्टर से एक कॉपी लिया। आपको अपने कीबोर्ड से अल्टर बटन प्रेस करना है और यहाँ से आपको कॉपी लेना है, राइट क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिफ्लेक्ट। यहाँ पे जाके ओके प्रेस कर दीजिए और इसका कलर मैं यहाँ पे जाके कर लेता हूँ रेड। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे काफ़ी अच्छा सा एक डिज़ाइन मिल रहा है। तो आप देखेंगे इस तरीके से मेरा एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया। तो काफ़ी लोगोज़ में आपने देखा हुआ इस तरीके का डिज़ाइन। तो इस तरीके का अगर आपको डिज़ाइन बनाया है तो आप शेयर टूल के थ्रू बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। तो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है रीशेप टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एक सर्कल और सर्कल सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा रीशेप टूल। देखिए नॉर्मली अगर मैं रीशेप टूल को इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ तो आपको एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से, लेकिन इसका वर्क कैसे है कि मान लीजिए अगर मैंने किसी पॉइंट पर क्लिक किया, पर्टिकुलर आपको एक पॉइंट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर और इस पॉइंट को आप डायरेक्टली इस तरीके से रीशेप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप ऐड डायरेक्टली इस पॉइंट पे कर सकते हैं। आप रीशेप टूल को सिलेक्ट करिए और जो भी पॉइंट पे आपको रीशेप करना है उस पॉइंट को आप ऐड कर दीजिए कुछ इस तरीके से और उसके बाद आप जाके यहाँ पे सिलेक्ट करिए अपने दोनों पॉइंट्स को और यहाँ पे जिस तरीके का भी आप रीशेप चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप अपने डिज़ाइन के अंदर इस टूल का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है विड्थ टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए मैंने यहाँ से एक सिलेक्ट किया इस तरीके का एक सर्कल और यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ अपने कीबोर्ड से कर दिया डिलीट। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो थिकनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए और ये एज इट इज़ रहे। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा विड्थ टूल। तो यहाँ पे आपको जाके सिलेक्ट करना है विड्थ टूल और इस पॉइंट को पकड़ के आपको कर लेना है इस तरीके से अंदर की तरफ ड्रैग। तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा सा आपको ये डिज़ाइन मिल गया है। तो इस तरीके से हम अगर मुझे कोई लोगो में इस तरीके का कोई डिज़ाइन चाहिए या अपने कोई आर्टवर्क में ऐसा डिज़ाइन चाहिए तो मैं ईजीली इस तरीके से यहाँ पर विड्थ को कम कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है वार्प टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट लिखा कुछ इस तरीके का। और इसे मैंने थोड़ा बढ़ा लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा वेव जैसा मैं कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैंने इसे राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने किया क्रिएट आउटलाइन, तभी ये वर्क करेगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ से लिया वर्ड टूल और यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्रैग कर दिया मैंने इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके का इसने एक डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है। आप ऐसे अलग अलग डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक हम एग्जांपल और ले लेते हैं। लाइक मैंने इस बार लिया एक सर्कल और उसके बाद मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया वर्ड टूल और इस पॉइंट से मैंने इसे नीचे ले लिया। तो देखें यहाँ पे इस तरीके का भी एक डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। तो इजीली आप इस तरीके से इस टूल के थ्रू कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे हर पॉइंट को आप सिलेक्ट करिए, जैसे आप वर्टेक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको इस तरीके का एक डिज़ाइन दे देगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है वर्टेक्स को सिलेक्ट करके तो आप ईजीली कर सकते हैं।
तो इस टूल के थ्रू आप अलग अलग वर्टेक्स को मूव करके कोई भी नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो ड्रिल टूल, अब देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एक रेक्टेंगल और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कलर ले लिया रेड, देन उसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया अपना ड्रिल टूल। और ये कैसे वर्क करता है, आपको जो भी वर्टेक्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा, आप देखिए यहाँ पे इसने इसको राउंड करेगा, ट्रिल करेगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग आप इस तरीके से इस पॉइंट पर रख के आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा एक हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं इस टूल के थ्रू। तो देखिए काफ़ी अच्छा सा एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया है और उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट या कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है पोकर टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एक सर्कल और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया पोकर टूल। पोकर टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से वर्टेक्स को पकड़ के एक रीशेप कर देता है डिज़ाइन को। तो मैंने कुछ इस तरीके से किया, थोड़ा थोड़ा सा इसे मैं वर्टेक्स पकड़ के इसे मूव कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से मेरा एक डिज़ाइन बन रहा है। तो मैंने एक सिंपली एक सर्कल को हार्ट का शेप दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते। सो जो अब हमारा नेक्स्ट टूल है वो है ब्लॉट टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे लिया इस तरीके का एक सर्कल और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया आपका ब्लॉट टूल और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। तो अपने आप ही वो शेप, जैसे मैंने ऊपर रखा सर्कल और यहाँ पे क्लिक किया, देखिए वो अपने आप ही जाके वहाँ पे सेट हो गया। इस तरफ से भी मैं करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे भी वो सेट, जैसे जैसे आप इसे मूव करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे अपने आप ही उस सर्कल के अंदर वो सेट होता जाएगा। तो इस तरीके का अगर आपको कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आप इजीली इस टूल के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो स्कलप टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक राउंडेड स्टेप का रेक्टेंगल और इसका हम कोई कलर चेंज कर लेते, इस बार हम कर लेते ग्रीन। और उसके बाद हम यहाँ पर जाके सेलेक्ट करते हैं स्कैलप को और यहाँ पर जैसे ही आप इस पॉइंट पर आप सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे इस तरीके से ये इसके जो एजेस पे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का ये आपको डिज़ाइन क्रिएट करके देगा। सो इस तरीके से देखेंगे आप काफ़ी अच्छा से एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया। जैसे मुझे कोई ग्रास वगैरह बनानी है तो मैं इजीली इसके थ्रू बना सकता हूँ, या कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हो तो मैं भी इसके थ्रू कर सकता हूँ। देखिए अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरीके का कोई भी अगर आपको एजेस को इस तरीके से बनाना हो तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है क्रिस्टलाइज टूल। तो देखिए कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे लिया एक रेक्टेंगल और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया क्रिस्टलाइज टूल। ये क्या करेगा, पर्टिकुलर एजेस को ही ये पकड़ता है। तो आप एजेस को इस तरीके से आप अगर आप बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह के क्रिस्टल टाइप का, तो ये ईजीली इस तरीके से आपको शेप को रिफॉर्म करके दे देगा। देखिए सो इस तरीके का कोई भी, जैसे कि हेयर हमको बनाने हैं किसी के, तो हम इस तरीके का ग्रास बनाना हो, लाइक अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिंपली एक रेक्टेंगल लिया और इसी टूल को मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर इसी पॉइंट को पकड़ा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसे इस तरीके से यूज़ किया, तब आप देखेंगे ये मुझे ग्रास का काफ़ी अच्छा सा इफ़ेक्ट दे देगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसने किस तरीके से मुझे एक ग्रास का इफेक्ट दे दिया। मैं यहाँ पे अल्टर से कॉपी कर लेता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप कोई ग्रास का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो इजीली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ग्रास काफ़ी बन चुकी है, जो कि हम कार्टून वगैरह की जो बैकग्राउंड्स उसमें देखते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हमारा टूल है उसका नाम है रिंकल टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए मैंने यहाँ से लिया एक रेक्टेंगल और सेम ये भी कुछ लगभग ऐसा ही कुछ काम करता है, बस इस तरीके से ये आप देखेंगे कि ये कुछ वेव्स क्रिएट करता है, पर्टिकुलर जो भी आपका ऑब्जेक्ट उसके वेव्स क्रिएट करता है। तो मैं यहाँ पे इसे कुछ जितनी देर आप इसे प्रेस करके रखेंगे ये वेव्स इस तरीके से आपको क्रिएट करके देगा।
सो मैं इसे कुछ देर तक आप प्रेस करके रखिएगा, देखेंगे कि ज़्यादा वेव्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ और उसके बाद आप इसे स्केल कीजिए कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरीके की वेव्स मिल रही है। मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और उसका कलर मैं कर लेता हूँ रेड, ओके। और एक का कलर मैं और कर लेता हूँ यहाँ पे येलो, और इसे मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और एक कॉपी हम और ले लेते हैं अल्टर से और यहाँ पे उसका कलर कर लेते हैं हम ब्लू। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके की वेव दिख रही है। और इन सब को सिलेक्ट करके मैं अल्टर से फिर कॉपी कर रहा हूँ और इसे रोटेट कर लेता हूँ सिंपली। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके का भी एक डिज़ाइन मिल चुका है। तो काफ़ी अच्छे से हम इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। देखिए तो काफ़ी अच्छा सा मुझे एक डिज़ाइन भी मिल गया है। तो इस तरीके से भी हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल देखने वाले हैं उसका नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया इस तरीके का एक रेक्टेंगल और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे जाके इसे किया रोटेट और इसी एंगल में मैं इसे स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो इजीली मैं सेम एंगल में इसे स्ट्रेच कर सकता हूँ। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आप इसे रोटेट कीजिए और जिस एंगल में आप स्ट्रेच करना चाहते हैं आप ईजीली इसे कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या फिर कोई भी एंगल में बनाना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है पपेट वॉर्प टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ से एक सर्कल लिया इस तरीके से और मैं एक कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से और उसे मैंने कर दिया इस तरीके से यहाँ पे रोटेट। थोड़ा सा ट्राई मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्मूथ हो यहाँ पे। और एक और मैंने इसका कॉपी ले लिया अल्टर से और इसे मैंने यहाँ से कर दिया थोड़ा सा रोटेट और थोड़ा सा स्केल। तो ये उसके हैंड हो गए, इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से उसके हैंड क्रिएट हो गए। आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं इसे। और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ और ये पॉइंट को भी मैं यहाँ से कॉपी लेता हूँ। तो ये मेरा एक कैरेक्टर क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा मूव करूँ उसके हैंड को। सो मैंने यहाँ पे जाके सेलेक्ट किया पपेट वॉर्प टूल। अब ये क्या करेगा, जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके पपेट वॉर्प टूल को सिलेक्ट करेंगे, देखिए इस तरीके का आपको इस एक क्रॉस दिखाई दे रहे हैं। सो ये क्या होता है, जहाँ पे जाके आप पॉइंट क्लिक करेंगे वहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट कर लेता हूँ और जिस पॉइंट को आपको मूव करना है उस पॉइंट को पकड़ के आप ईजिली यहाँ पे इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी ईजिली मैंने यहाँ पे इसे मूव कर लिया है। सो हम नेक्स्ट इसमें भी देखते हैं। इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने लिया पपेट टूल और पॉइंट को मैंने फिक्स किया और जिस पॉइंट को आपको मूव करना है आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। इस बार मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से किया। तो देखेंगे आप यहाँ पे मेरा जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर में भी और कैरेक्टर के अलावा भी आप कोई भी अगर कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और आपको उसको कहीं पर भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है शेप बिल्डर टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एक सर्कल और यहाँ से अल्टर के साथ इसका एक कॉपी लिया और इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो लाइन है यहाँ से ये कट हो जाए। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए शेप बिल्डर टूल और इन दोनों को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने सिलेक्शन टूल लिया, आप देखेंगे कि ये यहाँ पर कट हो चुका है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ से फिर से मैं ले रहा हूँ एक सर्कल और इसी का मैं ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से कॉपी। तो मैं यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कॉपीज़ लिए और उसके बाद इन सब को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है शेप बिल्डर टूल। अब मैं चाहता हूँ ये सब एक हो जाएँ, सो सिंपली मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे ड्रैग कर सकता हूँ। देखेंगे मैं यहाँ पर मैंने ड्रैग किया तो ये सब जो आपके डिज़ाइन है वो एक हो गए और उसके बाद हमने इसके ऊपर एक कलर फिल कर लिया है।
सो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कलर फिल कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आ गया। चलिए हम इससे एक पेड़ बना लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसे ले लिया, तो इस तरीके से मेरा एक पेड़ आ गया। और यहाँ से हम सिंपली एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से सिंपल हम एक नॉर्मली कार्टून बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें काफ़ी अच्छे से ये डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है एक कार्टून बैकग्राउंड का, और सिंपली इसको अल्टर से हम मल्टीपल कॉपीज़ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से शेप बिल्डर टूल का हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है लाइव पेंट बकेट टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ से एक सर्कल लिया और इसका मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। तो अल्टर से मैंने यहाँ पे एक और कॉपी लिया और एक कॉपी मैं और ले लेता हूँ। आप देखेंगे कुछ बीच में इस तरीके का एक डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है, लेकिन अभी भी ये इंडिविजुअली अलग अलग है। बट इन दोनों को विदाउट कट किए मैं इसके अंदर कलर फिल करना चाहता हूँ। तो आप इन सबको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका लाइव पेंट बकेट टूल। यहाँ पे आएगा लाइव पेंट बकेट टूल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है कलर। जैसे कि मैंने कर लिया यहाँ पे एक रेड, तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे रेड कलर आ गया है। उसके बाद मैंने कलर चूज़ किया ग्रीन, यहाँ पे मैंने किया ग्रीन, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ब्लू, और इसके बीच में भी एक कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं एक पिंक कलर ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे इजीली कलर फिल हो गए हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं देखिए ये पूरा अलग है, आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अलग ही है। सो अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर फिर से मुझे कलर फिल करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे जाके फिर से लाइव पेंट बकेट को करना है और यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कलर चेंज करना तो आप यहाँ पे कोई भी कलर ले लीजिए। इस बार हम ले लेते हैं ऑरेंज, और फिर से आप कलर चेंज कर सकते हैं। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है ये तरीका, और चेंज भी हम कर सकते हैं कलर को। सो मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे फिर से हम ले लेते हैं येलो। तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो चुका है। इसका मैं आउटर बंद कर देता हूँ, तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से एक डिज़ाइन मेरा क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लाइट पेंट बकेट टूल का यूज़ करके एक अच्छा सा एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। देखिए इससे पहले हमने देखा लाइव पेंट टूल यानी कि हम कैसे कलर फिक्स कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो ईजिली हम यहाँ पे इसी कलर को जैसे कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके लाइव पेंट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कीजिए और जो कलर आपको नहीं चाहिए उस पर जाके आप सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने अपने कीबोर्ड से डिलीट कर लिया। तो वो कलर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे जाके सिलेक्ट कीजिए अपने लाइव पेंट सिलेक्शन को, और उसे सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि वो वाला पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लाइव पेंट सिलेक्शन टूल के थ्रू उस जो हमने पहले डिज़ाइन क्रिएट किया था, जो कलर हमने फिल किया था, वो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। अब जो हम टूल सीखने वाले हैं उसका नाम है प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल। देखिए प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टिव होते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टिव आते हैं। तो चलिए उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जाके लिया एक रेक्टेंगल और यहाँ से मैंने इस तरीके का एक स्क्वायर क्रिएट किया, और इसके अंदर मैंने जाके इसका कलर कर लिया ब्लैक, और यहाँ से मैं अल्टर से एक कॉपी ले रहा हूँ इस तरीके की, और इसका कलर मैं कर रहा हूँ वाइट, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं अल्टर के साथ फिर से एक कॉपी ले रहा हूँ और मैं इसकी कुछ कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप क्या कीजिए, इन सबको सिलेक्ट करना है आपको, और अल्टर के साथ फिर से आपको इनकी कॉपीज ले लेनी है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं इन सबको हमको हटा लेना है। देन उसके बाद फिर से मैं कॉपी ले रहा हूँ अल्टर के साथ इस तरीके से, और कंट्रोल डी से ये डुप्लीकेट होता है, तो इस तरीके से मैंने कुछ कॉपीज़ ली। इन सबको आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्केल कर लीजिए, और उसके बाद आपको इन सबको कर देना है ग्रुप। तो आपको जाना है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ग्रुप, देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक कॉपी और इसकी ले लेता हूँ। तो अल्टर से मैंने एक कॉपी एक्स्ट्रा यहाँ पे रख ली। अब आपको जाना है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल पे, इस पे जाके आपको करना है क्लिक। आप देखेंगे इस तरीके का आपको एक प्रोस्पेक्टिव दिखाई देगा,
अब आपको क्या करना है, इसको करना है थोड़ा सा स्केल, या फिर स्केल नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल पे, और जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट किया था उसको ले जाके आपको इस प्रोस्पेक्टिव पे जाके आपको सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए अपने आप ही उसने उस तरीके का जो हमारा वन पॉइंट प्रोस्पेक्ट, ये भी टू पॉइंट है, तो यहाँ पे इसने अपने आप जाके यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया है ईजिली, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्ट होगा ये उसी एंगल पे सिलेक्ट करेगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको एक और एंगल, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जो इसका कॉपी लिया था वो जाके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देखिए अपने आप ही उसे सेट कर रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा दूसरा भी जो मैंने बनाया था डिज़ाइन वो अपने आप ही उस प्रोस्पेक्टिव में आके सेट हो गया है। उसके बाद इस ग्रिड को हटाने के लिए आपको जाना है व्यू में, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोस्पेक्टिव ग्रिड, और यहाँ पे जाके आपको कर देना है इसको हाइड। तो आप देखेंगे कि आपका जो डिज़ाइन है वो टू पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में आके सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिव टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है मैश टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपको एक पिक्चर लेनी है, मैंने कुछ इस तरीके की एक पिक्चर ले ली है, उसे मैं पहले रीड्रॉ करूँगा। तो अब हमने पहले भी ये टूल हम देख चुके हैं पेन टूल, इससे हम यहाँ पे इसे पहले रीड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले इसे रीड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ एप्पल का पिक्चर लिया है, और मैं यहाँ पे इसको इजीली एक रीड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि पेन टूल से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। सो मैं इसीलिए पेन टूल का यूज़ कर रहा हूँ। सो मेरा यहाँ पे पिक्चर रीड्रॉ हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा मैश टूल, आपको जाके यहाँ पे मैश टूल पे सेलेक्ट करना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ मैशेस क्रिएट करने हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके के मैश यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे मैश क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे यहाँ से मूव कर लेता हूँ, और आपको यहाँ पे लेना है आईड्रॉपर टूल। तो आईड्रॉपर टूल से आप जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी कलर को, वो उसके ऊपर आके फिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का एक और कलर है, सो आप जाके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और जो पॉइंट है उसको आप सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, एक ये पॉइंट, और शिफ्ट बटन आपको दबाना है। तो मैंने ऐसे कुछ चार पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, और फिर से आईड्रॉपर को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे उस चार पॉइंट पे ही ये कलर आया है। तो वैसे ही आप और भी पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए। सो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट और सिलेक्ट कर लिए, और आईड्रॉपर से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सॉरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो ऐड होता जा रहा है। जो जो पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे और आईड्रॉपर से आप क्लिक करेंगे, तो वो जो आपका कलर है वो उस पर फिल होता जाएगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट और सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इतने पॉइंट और सिलेक्ट कर लिए, और आईड्रॉपर टूल से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो देखेंगे आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का मेरा कलर आ चुका है। वैसे ही मैं और भी कलर्स यूज़ करके और यहाँ पे उसको इजीली अपने जो भी पिक्चर उसको एज इट इज़ बना सकता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैश टूल का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है ग्रेडियंट टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट यूज़ करने वाला। देखिए ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि मल्टीपल कलर्स को हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, मैं अपने चैनल का ही नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने अपने एक चैनल का नाम लिखा इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पे मैं मल्टीपल कलर यूज़ कर सकूँ। देखिए सिंगल कलर तो हमें कर ही सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और कोई भी कलर लिया, तो यहाँ इजीली वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मल्टीपल कलर, बहुत सारे कलर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इसको शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके करना है क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन पर आप जब करो क्लिक, तो ये अब शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, ये एक शेप बन चुका है। उसके बाद आपको जाना है विंडो में, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ग्रेडियंट। तो आपको ग्रेडियंट को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके के यहाँ पे ऑप्शन आया ग्रेडियंट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F9। अब यहाँ जाके क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका एक पैलेट ओपन हो जाएगा।
उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए इस तरीके का ग्रेडियंट पे अप्लाई हो चुका है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 1, 2 एंड 3। आप चाहें तो आपको कलर अगर कोई और चेंज करना है आप, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। मिड टोन में आपको जो कलर चाहिए आप डबल क्लिक करिए, आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड जो भी कलर आपको ज़रूरत हो आप एक्स्ट्रा कलर भी यहाँ पे ऐड सिंपली क्लिक करके कर सकते हैं। तो जो भी आप कलर चाहें वो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे वो आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके से। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे जाइए ग्रेडियंट पे, और यहाँ पे इस तरीके से जैसे ही आप इसको मूव करेंगे तो ग्रेडियंट भी आपका यहाँ पे मूव करेगा इजीली। इस तरीके से आप कोई भी अच्छे से अच्छा आपका डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं एक टेक्स्ट के अंदर, और काफ़ी ही ये अट्रैक्टिव लगता है ग्रेडियंट के थ्रू। तो इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन के अंदर या फिर शेप के अंदर इस तरीके का ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एक और एग्जांपल कि ये सिर्फ टेक्स्ट में ही यूज़ होता है या अदर किसी में भी। सो मैं टेक्स्ट को मार देता हूँ यहाँ पर डिलीट, और यहाँ पे ले लेता हूँ एक शेप। तो मैंने यहाँ पे लिया इस तरीके का एक शेप, आप देखेंगे शेप के अंदर भी वो इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे शेप के अंदर जो आपका ग्रेडियंट आ रहा है वो आप उसको थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, सो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जो सब फर्स्ट है वो लीनियर, अभी हम लीनियर ही यूज़ कर रहे थे। ओके, सो आपको सिलेक्ट करना है ग्रेडियंट पे, और इस तरीके जैसे ही आप ड्रैग करेंगे जिस एंगल से तो वहाँ पे आपको इस तरीके का जो ग्रेडियंट है वो दिखाई देगा। उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर रेडियल। आप रेडियल पे यानी कि देखिए सेंटर से राउंड हो गया है, तो अब जिस तरीके से आप ड्रैग करेंगे तो राउंड उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है आपका, कोई डिज़ाइन है, तो आप इजीली बना सकते हैं इस तरीके का कोई भी डिज़ाइन रेडियल के थ्रू। और यहाँ पर है आपका फ्री फॉर्म, और यहाँ पर मैंने फ्री फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये कलर इसके अंदर ही आ रहा है, और इसको मैं अगर जैसे मूव करता हूँ तो आप देखेंगे ये भी साथ साथ में मूव हो रहा है। तो इस तरीके से आप फ्री फ्रॉम भी यहाँ पर डिज़ाइन को या जो अपना ग्रेडियंट है सॉरी उसको हम ले सकते हैं, उसके अंदर कलर भी हम चेंज कर सकते हैं जो भी हमें कलर चाहिए। तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट कलर का यूज़ कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे लिया एक सर्कल, और मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल के ऊपर मैं कुछ कलर पिक करूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके की इमेज ले रखी है, आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, और उस इमेज के अंदर से किसी भी कलर को आप जाके यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है आपके जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पर आपको कलर पिक करना है उसे। देन उसके बाद यहाँ से आपको लेना है आईड्रॉपर टूल, और जो कलर आपको पसंद आ रहा है जैसे कि मुझे मान लीजिए कि ब्लू चाहिए, सो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिए तो देखेंगे यहाँ पे वो कलर फिल हो गया है। और मान लीजिए मुझे अगर रेड चाहिए तो यहाँ पे रेड आ गया। देखिए ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ये आई ड्रॉपर पूरे रेड को नहीं कर रहा है, ये एक पिक्सल को क्लिक कर रहा है। लाइक अगर जहाँ पर मैंने क्लिक किया है पर्टिकुलर उस पिक्सल को कर रहा है। देखिए इस तरीके से आप देखिए रेड में भी बहुत सारा वेरिएशन आ रहा है, बिकॉज ऑफ जहाँ पर ये पिकर टूल पिक करेगा वहीं के कलर को ये यहाँ पर आपको बताएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रीन पे करता हूँ, येलो पे करता हूँ, रेड पे, आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ पे किसी भी इमेज से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आई ड्रॉपर टूल के थ्रू अपने कलर को पिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है मेज़र टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। सो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल है, और दूसरा मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया जो कि रेक्टेंगल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेक करना। सो मुझे अभी तो नहीं पता कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, सो इजीली हम इसे चेक कर सकते हैं मेज़र टूल के थ्रू। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है व्यू में, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका रूलर, रूलर पर जाके आपको करना है शो रूलर। तो यहाँ पर इस तरीके का आपका रूलर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको मिलीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर या इंच में, या किसी भी हमको यूनिट में चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे जाके राइट क्लिक कीजिए इस रूलर के ऊपर, यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो मान लीजिए मुझे इंच में ही चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा मेज़र टूल। मान लीजिए इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट को चेक करना है, तो सिंपली इस पॉइंट पर जैसे ही जाके आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो एक्टिव हो चुका है। तो इन दोनों के बीच डिग्री कितनी है, जैसे 39.77 है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इधर पर डिग्री दिखा रहा है और यहाँ पर आपको डायमेंशन दिखा रहा है।
सो मैंने यहाँ पे जैसे ही किया तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये 39.77 है और कौन सा एंगल पे कितना डिग्री है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा कि एक्स एंगल पे कितना है, वाई पे कितना है, विड्थ और हाइट कितनी है। तो ये सारा मेजरमेंट आपको यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन में दिखाई देगा। और मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे ले लेता हूँ तो आपको डिग्री वाइज ये -27 दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे तो -27.231 दिखा रहा है और इंच में जो उसका गैप है वो 10.69 इंच है। तो इजीली हम इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है ब्लेंड टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। पेन टूल से एक डिज़ाइन क्रिएट किया कुछ इस तरीके का। और इस तरीके का मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया, आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक इस तरीके का सर्कल जिसका कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ब्लू। एंड दूसरा एक और सर्कल का मैं कॉपी ले लेता हूँ शिफ्ट के साथ, अल्टर और शिफ्ट के साथ ताकि स्ट्रेट जाए, और इसका कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ग्रीन। तो आप देखेंगे यहाँ मेरे पास दो कलर हैं, इन दोनों कलर को मैं ब्लेंड कर लेता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ब्लेंड, यहाँ से मैंने इसे ड्रैग किया और वापस इसे लाके यहाँ पे मैंने ड्रैग किया सिंपली। तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू और जो ग्रीन है उन दोनों के बीच में जो भी कलर आते हैं वो यहाँ पे ब्लेंड हो चुके हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस स्प्लाइन, इसे हम स्प्लाइन बोलते हैं, तो इस स्प्लाइन पे जाके वो यहाँ पे सेट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को सिंपली सिलेक्ट करना है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ब्लेंड और इसके अंदर एक और ऑप्शन आएगा रिप्लेस स्पाइन, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका स्पाइन पे रिप्लेस हो जाए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे वो आपका ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस हो गया है एज इट इज़ स्प्लाइन पे। अब आप देख चाहते हैं कि नहीं यार ये थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा ही है, सो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी थिकनेस है वो आपको कम करनी पड़ेगी। सो अब मैंने यहाँ पे थिकनेस थोड़ी कम करी है। अब देखिए किस तरीके का रिजल्ट आता है। दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया ब्लेंड और यहाँ पे आएगा आप रिप्लेस स्पाइन। तो अब देखेंगे आप जो है थिकनेस की वजह से फिर से ये यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप ब्लेंड टूल का यूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत सारे जो लोगोज़ होते हैं उसमें भी इस तरीके का यूज़ किया जाता है। लाइक जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 सर्कल लिए, एक सर्कल लिया इस तरीके का और उसके अंदर मैंने दिया रेड कुछ इस तरीके का, और एक सर्कल मैंने फिर से लिया कॉपी किया उसको मैंने कलर दिया ग्रीन, और जो सेकंड सर्कल एक और मैंने लिया उसका कलर मैंने दिया यहाँ पे ब्लू। अब इन तीनों को मैं ब्लेंड करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ब्लेंड टूल, देखिए मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रैग किया, फिर मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया। इस तरीके से आपको इस तरीके से इजीली आप ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके का आपके पास एक डिज़ाइन आ गया है। तो काफ़ी अच्छा सा इसे हम लोगो भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लेंड टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है सिम्बॉल टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आप टूल बॉक्स में जाइए, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कुछ इस तरीके के सिंबल्स के। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिस पे लिखा हुआ है कि जो आपका सिंबल है वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है विंडो में, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा सिंबल, इस पर जाके आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको एक बॉक्स दिखाई देगा डायलॉग बॉक्स, और ये जो सब है वो एक सिंबल से हैं, आप अपने सिंबल भी क्रिएट कर सकते हैं। सो मान लीजिए मैंने इस तरीके के फ्लावर को यहाँ पे ड्रैग कर लिया इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फ्लावर है वो आ चुका, आप उसको स्केल भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पे सिंबल स्प्रे टूल। देखो स्प्रे क्या करता है, जैसे ही मैं यहाँ पे इस तरीके से स्प्रे करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स आ जाएंगे। सिंपली स्प्रे करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। देन उसके बाद यहाँ पे इसके जस्ट नीचे है सिंबल शिफ्टर टूल। ये क्या करेगा,
जो भी आपके टूल्स है उसको शिफ्ट करेगा, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप चाहते कि शिफ्ट करना, तो ईजीली आप कहीं पर भी उसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम जो भी डिज़ाइन है जो बना रहे हैं उसे इस तरीके से हम वेरिएशन दे सकते हैं। जस्ट उसके एक और नीचे आपके पास एक और ऑप्शन है सिंबल स्क्रंचर टूल। ये क्या करेगा, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, देखिए सारे जो भी फ्लावर्स है बहुत पास पास आ गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं इनके बीच का गैपिंग को कम करना तो आप सिंपल इससे कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे सिंबल साइजर टूल। साइजर टूल क्या करेगा, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को ही ये बड़ा करेगा। देखिए मैं आप देख रहे हैं वेरिएशन कि मैं चाहता हूँ इसको बड़ा करना, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे वही आपका फ्लावर बड़ा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं स्पिनर, आप रोटेट करना चाहते हैं तो किसी भी एंगल में हम इसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से आप किसी भी एंगल में इसे रोटेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे स्टैनर टूल है, यहाँ से भी आप अलग अलग, जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए इसके अंदर से जो कलर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस कलर को, और यहाँ पे जो उसके मिड टोन है या फिर उसका डार्क टोन है वो वहाँ पे उसे लेके आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे है आपका स्क्रैनर टूल, वो आपको क्या करेगा, थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे थोड़ा सा ऑपेसिटी को कम करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये इसे ऑपोसिटी के थ्रू यहाँ पे कम कर रहा है। देखेंगे काफ़ी ऑपोसिटी आपकी जो वो कम हो गई है। सो नेक्स्ट टूल है सिंबल स्टाइलर टूल। तो इसमें जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे मैंने जाके इस पर क्लिक किया, देखिए इस तरीके का मैसेज आया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, विंडो में जाना है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ग्राफिक स्टाइल पे, और फिर से विंडो में गया और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सिंबल, ये दोनों मैंने यहाँ पे कर दिए हैं सिलेक्ट। यहाँ से मैंने एक सिंबल लिया कुछ इस तरीके से, और इसको मैं कर लेता हूँ इनक्रीज़, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ग्राफिक स्टाइल है वो इसके अंदर आ जाए। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करना है, आपको आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे जाके सिंबल स्टाइलर को, और यहाँ पे जो भी आपका स्टाइल है उस पर आपको कर देना है क्लिक, और यहाँ पे जाके भी आपको कर देना है आपके सिंबल के ऊपर क्लिक। तो आप देखेंगे कि वो जो आपका डिज़ाइन है वो इसके ऊपर आ गया, और पीछे से जो आप देख रहे हैं हल्का सा एक ऑपोसिटी के थ्रू वो जो बैक डिज़ाइन है वो भी दिख रहा है। आप किसी भी डिज़ाइन को इसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है कॉलमग्राफ टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे जाके सबसे पहले कॉलमग्राफ टूल को सिलेक्ट किया इस तरीके से। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं और इस तरीके का आपको एक पैनल दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने शीट रेडी की है वो यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है आपके इस तरीके से जो आपका एक्सेल है उसमें, जो एक्सेल शीट में आपने जो भी बना रखा है डेटा, उस डेटा को आपको यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से आपको कॉपी करना है, और उसके बाद आपको जाना है आपके इलस्ट्रेटर के अंदर, और यहाँ पे जाके आपको उसको कर देना है पेस्ट। कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर दीजिए, तो देखेंगे जो भी वहाँ पे डेटा था वो यहाँ पे आके सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एक राइट का ऑप्शन आ रहा है जिसे हम अप्लाई बोलते हैं, यहाँ पे जाके आपको कर देना है क्लिक। तो अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे अपने आप आपका डेटा यहाँ पे आके सेट हो गया है। तो ईजिली आप अपने एक्सेल के डेटा को यहाँ पे ग्राफ के थ्रू कहीं पे भी आपको अगर प्रेजेंटेशन करना है तो आप ईजिली कर सकते हैं। आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं इन नंबर्स का या फिर इस जो भी आपके लेटर्स हैं उनका, तो सिंपली आप जाके यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए सिलेक्ट, और जो भी आपको कलर चाहिए वहाँ पे आके आप कर दीजिए इस तरीके से सिलेक्ट। तो आप देखेंगे काफ़ी इजीली यहाँ पे आपका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। सिंपली आप चाहते हैं कि फिर इसको मैं कुछ अलग डिज़ाइन में करूँ, क्योंकि सेम ये है तो ग्राफ ही, लेकिन मैं कुछ दूसरे डिज़ाइन में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि पाई है, उसके बाद एरिया ग्राफ है, बहुत सारे हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं इस बार पाई ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया सिलेक्ट। देन जो मैंने यहाँ पे डेटा कॉपी किया था उसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे जाके पेस्ट, तो मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अप्लाई। तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके अपने जो भी आपका डेटा है उसको इस तरीके से ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हैं। तो सिंपली ये सारे वैसे ही हैं, आप एक एक करके इसको अपने जो भी अपने यहाँ पे डिज़ाइन देखे हैं इनको आप सिलेक्ट करके और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ टूल का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है उसका नाम है आर्टबोर्ड टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है।
देखिए यहाँ पे आप जाएंगे टूल बॉक्स में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा आर्टबोर्ड टूल। इस पर आपको जाके सिलेक्ट करना है, और अगर आप चाहते हैं इस आर्टबोर्ड को मान लीजिए एडिट करना है, सो आप इजीली यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड को विदाउट न्यू फाइल लिए आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इस टूल के थ्रू। और अगर आप चाहते हैं कि इस आर्टबोर्ड को मैं किस फिक्स साइज़ में लूँ, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप आर्टबोर्ड पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके पास ऑप्शन आएगा, और हाइट विड्थ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी आपको साइज़ लेनी है आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ विड्थ 20x20, सो मैंने 20x20 का एक आर्टबोर्ड लेना चाह रहा हूँ, और मैंने यहाँ से किया ओके, तो आप देखेंगे कि मेरे पास 20x20 का एक आर्टबोर्ड आ गया है। तो ईजिली विदाउट न्यू फाइल लिए भी आप आर्टबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ करेंगे उसका नाम है स्लाइस टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे एक JPG लिया है इस तरीके का, आप कोई भी ले सकते हैं JPG। उसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या करेगा, लाइक जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे जाके ड्रैग किया कुछ ऐसा। उसके बाद यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एक अलग अलग इस तरीके के बॉक्सेस में इसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। वन टाइप के ये ड्राइंग हो रही है, और जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो बाद में जाके अलग अलग स्लाइस में कट हो जाएंगे इजीली। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लिया है, और ये वाला पोर्शन मैंने कट किया, और ये वाला पोर्शन भी मैंने कट किया। उसके बाद जो जो मैंने पोर्शन यहाँ पे कट किए हैं उसको मैं अलग अलग JPGs में सेव करना चाहता हूँ, सो इसीलिए ही मैंने यहाँ पे स्लाइस किया है। अगर आपको लग रहा है कि आपने ये स्लाइस गलत ले लिया है, या फिर आपको उसको एक्सटेंड करना है, तो इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन आता है स्लाइस सिलेक्शन टूल। साइज सिलेक्शन टूल क्या करेगा, आप पर्टिकुलर उस पॉइंट को आप पकड़ के मूव कर सकते हैं इजीली, या फिर आपको लगता है कि मुझे इस तरीके के इसे बड़ा करना है तो आप यहाँ से स्केल भी कर सकते हैं। सो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पर सिलेक्शन स्लाइस किए हुए हैं आपको जाना है फाइल में, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट, और यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा सेव फॉर वेब। आपको इसको सिंपली सेव नहीं करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने में आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव फॉर वेब, आपको जाके यहाँ पे करना है क्लिक। तो इस तरीके का आपका एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे करना है सेव, और ये आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है डेस्टिनेशन। तो मैंने यहाँ पे, आप कोई भी डेस्टिनेशन ले सकते हैं, मैंने डॉक्यूमेंट लिया है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। सो मैं इसके अंदर जाके इसे कर लेता हूँ सेव। अब आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर जो सेव किया था, तो वो यहाँ पे एक इमेज का फोल्डर बना है, और इस इमेज के फोल्डर के अंदर जितने भी मैंने स्लाइस किए थे वो अलग अलग स्लाइस हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो भी JPG आप जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको जो भी पिक्चर या जो भी आपको अंदर का जो वर्डिंग वगैरह जो भी चाहिए उसको आप ईजिली यहाँ पर स्लाइस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है हैंड टूल। तो चलिए देखते हैं हैंड टूल कैसे वर्क करता है। यहाँ पे जाके टूल बॉक्स में आपको सेलेक्ट करना है हैंड टूल। हैंड टूल का बेसिक वर्क होता है आपके आर्टबोर्ड को मूव करने के लिए। आप आर्टबोर्ड को अगर मूव करना चाहते हैं कहीं पे भी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे स्पेस बटन यानी अपने कीबोर्ड के स्पेस बटन को अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो भी ये इस तरीके से हैंड टूल आ जाएगा और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो अब जो हम नेक्स्ट टूल देख रहे हैं उसका नाम है प्रिंट टाइलिंग टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। आपको टूल बॉक्स में जाना है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रिंट टाइलिंग टूल। उसके बाद जैसे आप ड्रैग करेंगे तो इस तरीके का आपको एक स्क्वायर दिखेगा। ये क्या वर्क करता है, जो इस स्क्वायर के अंदर आ रहा है वही एरिया आपका प्रिंट होगा, और जो एरिया इसके अंदर नहीं आ रहा है वो एरिया आपका प्रिंट नहीं होगा। सो आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं कहीं पे भी, और अगर आप फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट। प्रिंट एरिया पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो एरिया आपका यहाँ पे आप देखेंगे कट चुका है देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये कट रहा है, सो यहाँ पे भी प्रिंटिंग में ये कट जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो एरिया मुझे प्रिंटिंग में नहीं चाहिए, तो आप इजीली इस तरीके से आप टाइलिंग टूल का यूज़ करके उस एरिया को आप हाइड कर सकते हैं और वो एरिया आपका प्रिंटिंग में नहीं आएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये वाला जो आपका स्क्वायर है वो यहाँ से हाइड हो जाए, तो आप जाइए व्यू में, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा हाइड प्रिंट टाइलिंग, यहाँ पर जाके आप कर दीजिए क्लिक, तो आपका जो स्क्वायर है वो भी चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टूल। सो अब जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है जूम टूल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है।
आपको जाना है आपके टूल बॉक्स पे और यहाँ पे सेलेक्ट करना है जूम टूल। अब ये कैसे वर्क करता है, पर्टिकुलर आप जहाँ पे आपका टूल का जो आइकन आ रहा है उस पॉइंट पे जहाँ पे भी आप जूम करेंगे देखेंगे ये वहीं पे आपको पर्टिकुलर जूम करके दे रहा है। अब अल्टर अगर आप यूज़ करते हैं तो ये यहाँ पे इस तरीके से प्लस और माइनस दोनों हो जाता है। अल्टर को आप जाएंगे अगर ड्रैग करेंगे इस तरीके से तो ये प्लस, और अगर आप जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे ये जूम आउट भी कर देगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं।